स्वाति और एक बार फिर हम हैं यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां आपको मिलती है किंडो गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्व तक के सारे सब्जेक्ट्स का सारा मैटर एकदम फ्री दैट टू फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टीचर्स यहाँ पे आपको किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है दैट यू विल हैव टू पे फॉर एनीथिंग व्हाई बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट नॉट ओनली एकेडमिक्स बट अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्नेट ब्रेन सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास टेंथ इंग्लिश का मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर विच मीन्स दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ सैंपल पेपर्स फॉर क्लास टेंथ इंग्लिश जिसमें मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर्स बना के देगा ऑन द सेम लाइन्स ऑफ सी बी एस ई सैम्पल पेपर जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी नोटबुक और अपना पेन रेडी रखना है एंड देन ऑल द क्वेश्चन दर आम गोइंग टू थ्रो वैट यू तो यू हैव टू पिक दैम कैच दैम एंड मेक श्योर कि आपको वो आंसर्स आएँ कोई भी डाउट होगा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी चले स्टार्ट करें सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम पेपर वन नाउ हियर अगेन इट इज एब्सोल्युटली सेम जैसा सीबीएसई का पेपर था यू हैव थ्री आवर्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर फिफ्टीन मिनट्स का टाइम अलॉट होगा आपको टू रीड द पेपर एंड एक्सेट्रा देन द क्वेश्चन पेपर हैज थ्री सेक्शन सेक्शन वन इज रीडिंग सेक्शन बी इज ग्रामर एंड राइटिंग एंड सेक्शन सी इज लिटरेचर attempt questions based on specific instructions for each part so her question may you have options her question may you have particular word limit so you have to make sure that you follow that right jayliem सो so, हमारा सेक्शन ए है रीडिंग पैसेज ना बिफोर आई स्टार्ट आई वुड रिकमेंड दैट आपको सेक्शन ए बी और सी में से कौन सा पार्ट पहले स्टार्ट करना है ये टोटली totally आपका डिसीजन होना चाहिए इफ़ यू फील कि यार लिटरेचर मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है बिकॉज लिटरेचर में कुछ भी जो है आउट ऑफ द ब्ल्यू नहीं आ सकता यू हैव अ चैप्टर उसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो आप लिटरेचर पार्ट से स्टार्ट कर दो क्यों क्योंकि उसमें आपको पता है नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड हैं आपको उसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा अगर आपको लगता है आपका ग्रामर लिटरली सॉलिड है तो आप ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से स्टार्ट करो क्योंकि राइटिंग में क्या है अगर आपने लेटर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपका फटा फटाफट हो जाएगा एंड देन कम्स द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इफ़ यू फील आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है और आप ये चीज़ बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हो तो आप इससे स्टार्ट करो आपको आपकी यूएसपी देखनी है कि आपके यूएसपी क्या है और उस हिसाब से आपको ये करना है करना कैसे है हर सेक्शन को सॉल्व वो बताऊंगी मैं आपको स्टार्ट करें चलिए सो so, सबसे पहला है रीड द पैसेज गिवन बिलो प्रॉपर पैसेज है रिमेंबर कैसे करना है जब मैं इसे रीड कर रही हूँ मुझे हर पैराग्राफ में नंबरिंग देते देते हैं हर पैराग्राफ में उसका वो एग्जैक्टली exactly उस पैराग्राफ में बताना क्या चाह रहा है वो समझ में आ जाता है तो उसके साइड में लिख लो कि एक्जैक्टली exactly इस पैराग्राफ में सिर्फ इंट्रोडक्शन है इस पैराग्राफ में डिटेल्स दिए हुए हैं इस पैराग्राफ में जो भी स्पेसिफिक बात की गई है कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको लगता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है या इस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पर क्वेश्चन किया जा सकता है उसको अंडरलाइन कर लो उससे क्या होगा बाद में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा स्टार्ट करें A Russian proverb advises us not to नॉट अ हाउस बट द neighborhood. एक रशियन प्रोवर्ब है जो हमको एडवाइज करता है सलाह देता है कि हमको जो है कभी एक घर नहीं खरीदना चाहिए हमको एक पूरी जो है नेबरहुड खरीदना चाहिए वॉट डज ago मीन वाइल टिल to अगो इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिक्टेट हु द सेम क्वार्टर्स टूडे वेन यू थिंक ऑफ बाइंग होम यू कुड एक्चुअली क्रिएट योर ओन ड्रीम नेबरहुड थैंक्स टू द इंटरनेट एंड द ग्रब बाइंग मॉडल अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ साल पहले तक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था आपके लिए डिसाइड करना कि नहीं मैं चाहता हूँ मेरे घर के बगल में ये रहे वो रहे आप डिक्टेट नहीं कर सकते थे राइट यू कुड नॉट डिक्टेट कि आपके बगल में कौन आके रहने वाला है बट टुडे वेन यू थिंक ऑफ बाइंग अ होम लेकिन आज जब आप एक घर खरीदने के बारे में सोचते हो आप एक्चुअली अपना खुद का नेबरहुड क्रिएट कर सकते हो थैंक्स टू द इंटरनेट एंड द बाइंग मॉडल ये जो ग्रुप बाइंग मॉडल है जिसमें आप एक साथ खरीद सकते हो और इंटरनेट की हेल्प से आप ये काम कर सकते हो नाउ द ग्रुप बाइंग मॉडल हैज बीन अप्लाइड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फ्रॉम पेट के प्रोडक्ट्स अब वहाँ ये बोल रहा है जो ग्रुप बाइंग मॉडल होता है ये जो मॉडल है इट हैज़ बीन अप्लाइड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज नॉट ओनली रियल स्टेट बट वो डिफरेंट इंडस्ट्री में अप्लाई किया गया है जैसे आप ग्रुप में कार्स ख़रीद रहे हो या फिर बेबी के कपड़े खरीद रहे हो या पेट केयर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो नाउ द ट्रेंड इज कैचिंग ऑन इन द रियल इस्टेट सेक्टर और अब ये जो ग्रुप बाइंग मॉडल का जो ट्रेंड है ये रियल रियल इस्टेट सेक्टर में आ गया है विद मैनी साइट्स एज वेल एज ब्रोकिंग फर्म्स ऑफरिंग ग्रुप डील्स ऑन रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स और जो यहाँ जो ब्रोकर होते हैं जो आपको घर दिलाने में हेल्प करते हैं वो सब जो है अब ग्रुप डील्स में ऑफर दे रहे हैं और बहुत अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं अब इससे क्या होता है आपको पता है आपके आसपास कौन रह है जैसे कि जॉइंट फैमिलीज होती हैं या फिर मान लो आपके फ्रेंड्स हैं या आपकी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली है आपने डिसाइड कर लिया आप उनके आसपास रहना चाहते हो एंड दैट इज हाउ यू मेक अ ग्रुप डील सो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में हमने ग्रुप बाइंग मॉडल की बात करी है राइट द वे इट वर्कस इज सिंपल अब ये जिस तरीके से काम करता है वो बहुत आसान है टेक ट्रिपल एक्स डॉट कॉम मान लो ये कोई एक वेबसाइट है For example, this is an online and offline integrated platform which showcases property. अब ये जो है ये online and offline एक integrated platform है जो आपको properties दिखाती है मतलब अगर आपको घर खरीदना है तो आपको घर दिखाती है It uses social media networks to let buyers know about possible good deals and leaving it to them to do some viral marketing. Now, what happens? These buyers, what do they do? They market themselves. So advertisement karte through social media: Facebook, Instagram, etc., and then वहां पे क्या होता है ये वायरल मार्केटिंग करते हैं वंस अ लार्ज ग्रुप ऑफ बायर्स इज दस डेवलपर एंड हेल्प्स नेगोशिएट अ सूटेबल डिस्काउंट फिर जब वो होता है एक लार्ज ग्रुप ऑफ बायर्स आते हैं फिर वो नेगोशिएशन होता है एंड दैट इज हाउ द डील इज डन अब क्या है नेक्स्ट सिंस द डेवलपर डजंट हैव वन सेकंड या सिंस द डेवलपर डजंट हैव टू पे फॉर द मार्केटिंग It is willing enough to pay these companies a transaction fee, which is a percentage of the total value of the deal. ट कर ट्रांशन फी विच इज असेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द डील तो वहां पर वो क्या बोलते हैं कि हमको एक ट्रांजेक्शन फी का एक परसेंट चाहिए मान लो आपने जो है दस लाख का मकान खरीदा ठीक है सो so, उसमें जो है लेट्स दैट आई एम आस्किंग फॉर वन परसेंट मेला होगा या फिर टेन परसेंट मेला होगा सो दिस इज वॉट दे डू देन फॉर द बायर्स इट ऑफर्स द रेट्स एट नो फी दाज मेकिंग इट अन विन प्रपोजिशन फॉर ऑल इन वर्ल्ड अब बायर्स के लिए क्या होता है कि उनको कोई फी देना ही नहीं पड़ रहा है तो इसके कारण क्या होता है बायर भी खुश और सेलर भी खुश तो इट्स अन विन सिचुएशन ना वट इज अन विन प्रपोजिशन विन विन सिचुएशन और विन विन प्रपोजिशन का मतलब होता है जहाँ दोनों पार्टी का फायदा हो रहा है द डेवलपर ऑल्सो बेनिफिट बाई गेटिंग सब्सटेंशियल कैश फ्लो अब यहाँ पे क्या होता है जो डेवलपर है उसको एक और बेनिफिट मिलता है उसको बहुत अच्छा कैश फ्लो मिलता है गिविंग दम अ गुड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब उनको एक अच्छा खासा कैपिटल मिल जाता है इन टूडेज रियल एस्टेट सिनारियो बल्क बैंक कुड बी द आंसर टू द मार्केट स्लम्प एंड द लॉन्ग वेटेड कैश फ्लो अब आज का जो रियल एस्टेट सिनारियो है जो नीचे की तरफ जा रहा है उसके लिए बल्क बाइंग जो है इट कैन बी एन आंसर टू द मार्केट स्लम्प मार्केट में जो लो जा रहा है उसका आंसर क्या हो सकता है दिस बल्क बाइंग और जहां पे कैश फ्लो भी बहुत अच्छा होगा सी इज द फाउंडर ऑफ ट्रिपल एक्स डॉट कॉम सो टू बी एट अब इसका मतलब क्या हुआ कभी कभी जो डिस्काउंट साइज को आपको स्नेयर नहीं करना चाहिए यहाँ पे स्नेयर का मतलब क्या है किसी चीज का मजाक उड़ाना मॉकिंग स्माइल देना Discounts on group buying vary from 5 to 30 percent. The average divergence from market rate being ट्वेंटी फाइव टू थर्टी अब वो यहाँ पे बता रहे हैं जो डिस्काउंट्स होते हैं जब आप ग्रुप buy करते हो तो इसमें आपको 5 percent से लेके 30 percent तक का डिस्काउंट मिलता है द एवरेज डाइवर्जेंस फ्रॉम मार्केट रेट मार्केट रेट से कितना डाइवर्ज होता है मतलब कितना डिफरेंट जा रहा है ऑलमोस्ट 25 फाइव टू थर्टी इसका मतलब आपको बहुत ही अच्छी डील मिल रही है कस्टमर बाय इज द मॉडल कस्टमर बाइन इज अ मॉडल बट इट इज टेम्प्ररी फैट इन अ वे द ऑनलाइन जो बाइंग सेटअप इज सिमिलर टू द मॉडल डेवलपर्स शेयर स्पेक्यूलेटर्स हु बाय इन बल्क इवन बिफोर द प्रोजेक्ट गेट्स किक स्टार्टेड एंड गेट डिस्काउंट ऑफ थर्टी टू फोर्टी परसेंट अब वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये जो कस्टमर बाइन मॉडल जो है ना बट इज़ ए टेम्प्ररी फैट मतलब क्या ये टेम्प्ररी ही है और इसके बाद ये जो है नहीं चलेगा इन अ वे ये जो ऑनलाइन ग्रुप बाइंग सेट है ये एग्जैक्टली exactly कैसा सिमिलर है मॉडल डेवलपर्स का जो क्या करते हैं करते कि अच्छा यहाँ पे ये जो बिल्डिंग बन रही है तो यहाँ पे आप एक काम करो दस घर ले लो क्यों क्योंकि एरिया अच्छा है आने वाले टाइम में इधर का रेट बढ़ने वाला है एंड ऑल द थिंग्स दैट यू थिंक ऑफ दे पे फिफ्टी परसेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रंट अब इनको क्या होता है जब ये बल्क में लेते होते हैं थर्टी टू फोर्टी का डिस्काउंट मिलता है और ये क्या करते हैं ये पे कर देते हैं फिफ्टी परसेंट प्रॉपर्टी का फिफ्टी परसेंट वैल्यू जो है अप्रंट पे कर देते हैं ग्रुप बाइंग कंपनीज प्रूव मोर बेनिफिशियल फॉर डेवलपर्स एज दे गेट अवे विथ प्रोवाइडिंग लेसर डिस्काउंट दिन टू स्पेक्यूलेटर्स अब क्या होता है जो ग्रुप बाइंग कंपनीज होती हैं ना ये डेवलपर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है क्यों क्योंकि यहाँ पे उनको जो है कम डिस्काउंट देना पड़ता है कंपेयर टू स्पेक्यूलेटर्स क्योंकि स्पेक्यूलेटर ने देखा ही नहीं है उसे नहीं पता अभी बिल्डिंग बनी नहीं उसने सिर्फ प्लान देखा हुआ है उसे जगह पता है उसने स्पेक्युलेट किया तो उसे ज़्यादा परसेंटेज मिल जाए लेकिन इफ आई गो तो मुझे अगर बल्क में अगर खरीदना है तो मुझे सामने सामने सब कुछ दिख रहा है तो आई एम नॉट स्पेक्यूलेटिंग परसेंटेज एज कम्पेयर टू द स्पेकुलेटर्स सम साउंड नोट ऑफ कॉशन ऑन द ट्रेंड Present conditions are conductive for this business model as group buying works well in a situation where stocks are moving slowly. Some sound a note of caution on the trend. सम साउंड note ऑफ कॉशन इसका मतलब होता है कुछ लोग इस पर्टिकुलर ट्रेंड पे अपनी सहमति नहीं दिखा रहे दे से कि नहीं इसमें इशू हो सकता है प्रेजेंट कंडीशन आर कंडक्टिव फॉर दिस बिजनेस मॉडल एज ग्रुप बाइंग वर्क वेल इन अचुएशन वेल स्टॉक्स आर मूविंग स्लोली अभी हमारे इधर पर जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें क्या है स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस जो है डिफरेंस नहीं आ रहा है तो यहाँ पे दे एयर इट्स लाइक मूविंग स्लोली तो ऐसे टाइम पे बल्क में बाय करना इज रियली गुड ऑप्शन मार्केट्स आर जिटरी एंड देयर इज एम्पल सप्लाई अब मार्केट्स जो है जिटरी है मतलब सब सही नहीं चल रहा है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है इसका मतलब डिमांड कम है तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि ग्रुप बाइंग जो है ना वो इस वक्त सही अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है इट मे नॉट वर्क इन अ सेलर्स मार्केट बायर्स मार्केट में वर्क करेगा लेकिन सेलर मार्केट में जहाँ पे आपके पास ऑप्शन कम है राइट right? उसमें वर्क नहीं करेगा अब दो तरीके के मार्केट होते हैं एक बायर्स मार्केट और एक होता है सेलर्स मार्केट व्हाट इज बायर्स मार्केट बायर्स का मार्केट का इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है डिमांड कंपैरेटिवली कम है तो क्या होगा बायर्स जो है बहुत ज़्यादा नेगोशिएट कर सकता है सप्लायर्स मार्केट का मतलब होता है तुम्हारे पास सप्लाई कम है डिमांड बहुत ज़्यादा है राइट right. तो अगर मेरे पास दस चीज़ें हैं दस चीज को लेने के लिए सौ लोग खड़े हैं तो वो सौ लोग जो है इसका प्राइस ज्यादा देने के लिए तैयार रहेंगे इफ इट इज दैट इंपॉर्टेंट इसको बोलते हैं सेलर्स मार्केट बायर्स मार्केट मैं तो में तुम्हारे पास सौ चीजें हैं और लेने के लिए सिर्फ दस लोग हैं अंडरस्टूड द डिफरेंस

अब आ जाए हम क्वेश्चन आंसर्स पे समझ गए पूरा रियल स्टेट के बारे में था बारे में था ग्रुप बाइंग कैसे करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्या सोचना चाहिए वो सब हमने पढ़ लिया है द डिस्काउंट साइज ऑन ग्रुप यूजुअल डिस्काउंट टू स्पेक इज यूजुअली तो ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है कितना था वो यूजअली इट इज मोर और लेस इट इज मोर

या जो ग्रुप बाइंग ट्रेंड्स है प्रॉपर्टी का इसकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए सो द आंसर इज दिस इट इज नॉट बिकॉज क्योंकि हाईलाइट तो ये एक ही बार किया था कि हमें एक अच्छा नेबरहुड चाहिए बट इट वॉज ऑल अबाउट द ग्रुप बाइंग ट्रेंड्स और उसमें जो है किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सकते हो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ग्रुप बाइंक ऑफ रियल एस्टेट इज डन कैसे की जाती है मेनली ऑफलाइन मेनली ऑनलाइन थ्रू ब्रोकर या इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन सो द आंसर इज ईधर ऑनलाइन और ऑफलाइन आप कैसे भी कर सकते हो ट्रिपल एक्स डॉट कॉम आधा अब ये जो ये वेबसाइट वाले हैं ये क्या हैं डेवलपर्स हैं ये फाइनेंशियर्स हैं लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या नन ऑफ दीज सो बेसिकली दे आर नन ऑफ दीज ठीक है

क्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द्रू इन दैसेज पैसेज के कॉन्टेक्स में क्या सही है सो इसमें जो आंसर है वो ये ग्रुपनी से फॉलोइंग सिचुएशन कस्टमर बाय इन मॉडल में नॉटवर्क कस्टमर का जो बाय इन मॉडल है वो कौन से सिचुएशन में काम नहीं करेगा बायर्स मार्केट में नहीं करेगा जब है मार्केट आर बूमिंग लेकिन विद एम्पल सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट बूम कर रहे सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है डिमांड भी बहुत ज्यादा है इज शॉर्ट सप्लाई जब सप्लाई थोड़ा कम है हाउसेस आर चीप जब घर थोड़े सस्ते हुए करते थे तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा वेन देर इज शॉर्ट सप्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पैसेज का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या सही नहीं है The speculators, the speculators also buy in bulk. speculators buy bulk, mein social media, ma network is used for marketing group buying. social media network could use karte ho marketing group buying ke liye. the group buying companies take a transaction fee from both buyers as the developers don't know. the speculators get a bitter deal in terms of discounts as compared to that of the other group buying companies. So the here is, जो ये ग्रुप कंपनीज हैं वो कोई ट्रांजैक्शन फी नहीं लेते राइट आंसर हमें क्या चूज करना था रॉन्ग आंसर मतलब जो इसको जो सही नहीं है वो चूज करना था हमको ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड पैसेज के साथ सो लेट स्टार्ट माइंड मैनेजमेंट इज अ वे टू कंट्रोल वन माइंड माइंड मैनेजमेंट एक तरीका है अपने माइंड को कंट्रोल करने का मतलब शायद ये पैराग्राफ इज अबाउट माइंड मैनेजमेंट

And also need a high level of understanding and meditation as well. And at the same time हमको बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने की, अपने आसपास के लोगों को समझने की और meditate करने की ज़रूरत है। Understanding is wisdom. 80% of people are knowledgeable, while 20% are wise. What is the difference between being wise and being knowledgeable? मुझे चाय बनाना आता है, ये मेरे पास एक knowledge है। लेकिन अगर किसी को भूख लगी है अगर किसी को गला ख़राब है तो उस वक्त अगर मुझे उसको मैं चाय बना के देती हूँ तो ये विजडम है सो so, आपको कोई भी चीज़ आती है करना वो नॉलेज है लेकिन उसको सही टाइम पे करना आना चाहिए वो विजडम होता है सो so, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 80 परसेंट जो लोग हैं वो नॉलेजेबल होते हैं लेकिन 20 परसेंट लोग ही ऐसे होते हैं जो वाइस होते हैं नॉलेजेबल मैन टेक साइज विदाउट रीजन अब नॉलेजेबल मैन है मुझे पता भी मैंने तो यह पढ़ा हुआ है और मैं उसका साइड ले रही हूँ विदाउट एनी रीजन दे फील सैड सींग डिप्राइव्ड पीपल बट जेलस वन दे सी हैप्पी पीपल मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है मैंने अपने आप से अपने से गरीब लोगों को देखा ऐसे लोगों को देखा जिनके पास चीज़ें कम है मैं बड़ी दुखी हुई लेकिन ऐट द सेम टाइम मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास बहुत कुछ है और उनको देख के मैं जेलस फील कर रही हूँ तो क्या मैं वाइस हूँ मेरे पास नॉलेज है लेकिन मैं वाइज नहीं हूँ दे वर्क इन द गाइडेंस ऑफ अदर्स इंस्पिरेशन जो नॉलेजेबल पीपल होते हैं ना वो दूसरों के दूसरों से इंस्पायर होकर दूसरों की चीज़ों से जो है उनके नॉलेज से आगे बढ़ते हैं दे टेक अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दैम सेल्स डिस्टर्बड और वो बिना मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ले लेते हैं ताकि वो डिस्टर्ब होते रहें बेसिकली वो अपने आप को वो चीज़ों को ओवर डू कर लेते हैं अ वाइस पर्सन डज नॉट स्टैंड फॉर और अगेंस्ट एनी आइडिया विदाउट कॉन्क्रीट रीज़न एक जो समझदार आदमी होता है एक वाइस पर्सन जो होता है वो किसी भी अगर आपने कोई भी आइडिया दिया है ना वो उसके सपोर्ट में खड़ा होगा ना वो उसके अगेंस्ट में खड़ा होगा अनलेस उसके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब या उसके पास एक बहुत ही सिग्निफिकेंट uh, रीज़न है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ही वर्क अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कैपेसिटी वो जो है सिचुएशन को देखिए और कैपेसिटी के हिसाब से काम करते हैं ही लुक्स एट एवरी थिंग वो हर चीज़ को बहुत समझदारी के साथ देखते हैं टू हिम फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन फॉर फ्यूचर सक्सेस अगर वो कहीं हार भी जाते हैं फेल भी हो जाते हैं तो उनके लिए वो सिर्फ एक सक्सेस की तरफ जाने वाली सीढ़ी का पहला स्टेप होता है सो डिप्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट सीन नॉलेजेबल लोगों को अगर आपने मेरे पास बहुत नॉलेज है लेकिन उसके बाद भी मैंने कैंपस क्लियर नहीं किया उसके बाद भी मान लो मेरे साथ कुछ गलत हो गया मैं अपने आप से लड़ने लग जाऊंगी या मैं शायद डिप्रेशन में आ जाऊँगी बट एट द सेम टाइम इफ़ आई एम वाइज ना मुझे डिप्रेशन होगा ना मुझे कॉन्फ्लिक्ट होगा लाइक द फ्रेज स्टॉप लुक गो रुको देखो आगे बढ़ो फर्स्ट वन शुड सी एंड देन दिस नीड्स पेशेंस रुको देखो और आगे बढ़ो मतलब पहले आप उस चीज़ को देखो समझो एनालाइज़ करो उसके बाद उस चीज़ को मतलब पहले आप रुको टाइम लो उसके बाद उस चीज़ को देखो उसको समझो उसको एनालाइज करो और फिर आगे बढ़ो मेडिटेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल एंड मैनेज माइंड विच देन बिकम्स एन ईजी टास्क जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम बेसिकली इट्स लाइक एन इंट्रोस्पेक्शन स्टेट जहाँ पे हम खुद पे फोकस कर रहे होते हैं जहां हम अपने आप को रिलैक्स कर रहे होते हैं और मेडिटेशन जो होता है वो माइंड को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है अनलेस वी कंट्रोल और मैनेज आवर माइंड इट इज डिफिकल्ट टू अचीव सक्सेस एंड पीस जब तक हम अपने माइंड को मैनेज नहीं कर पाते कंट्रोल नहीं कर पाते हमें कभी भी सक्सेस और पीस नहीं मिलेगा साइकोलॉजिस्ट से एवरी इंटरेस्ट इज फर्स्ट बोर्न इन द माइंड एज अ सीड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर इंटरेस्ट पहले हमारे दिमाग में जन्म लेता है एक बीज की तरह देन इट कंटिन्यूज टू ग्रो तो जैसे कोई चीज आया कोई ख्याल आया ख्याल कहाँ आया सबसे पहले मेरे माइंड में फिर वो ख्याल बढ़ने लग जाता है ग्रो करता है लेटर इट टेक्स इट्स रियल फॉर्म विच एवरीबडी कैन सीन बाद में वो जो एक छोटा सा ख्याल होता है वो एक प्रैक्टिकल ले फॉर्म ले लेता है जिसको सब कोई देख पाते हैं द इंटरेस्ट दैट फर्स्ट अपियर्स इन द माइंड रिमेन्स वीक फॉर द फर्स्ट थ्री मिनट्स एंड इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग विद इन द नेक्स्ट फाइव मिनट्स हमारे दिमाग में जब कोई भी चीज़ आती है कोई भी खलल आता है कोई नया इंटरेस्ट आता है तो पहले तीन मिनट तक वो वीक रहता है लेकिन अगर आप उस बारे में अभी भी सोच रहे हो तो अगले पाँच मिनट में वो स्ट्रोंग हो जाता है ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स शुड बी डिलीटेड विद इन द फर्स्ट थ्री मिनट जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे दिमाग में आए कोई भी थाट आया जैसे ही कोई भी थाट नेगेटिव है उसको आपको उसी वक्त हटाना है क्योंकि तीन मिनट से ज़्यादा अगर वो रुक गया तो वो तो स्ट्रोंग हो जाएगा

परेशान से हो जाते हैं हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं माइंड मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर अ पीसफुल सक्सेसफुल एंड हेल्दी लाइफ तो माइंड मैनेजमेंट एक सक्सेसफुल पीसफुल और हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, ये था हमारा पैसेज एक और बचा हुआ है पैराग्राफ द एज ऑफ कंप्यूटर ऑफ एस्पिशन बट है स्लीप माइंड को मैनेज तो करना है हमको लेकिन अब जो है हम ये जो इतने सारे जो एज ऑफ एस्केलेटर्स का मतलब क्या होता है द एज ऑफ कंप्यूटर्स हैज सोनस ऑन द एस्केलेटर ऑफ़ एस्पिरेशन जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है तो ये जो एज ऑफ कंप्यूटर्स है उसमें क्या है हमारी हमारी नीड्स बहुत बढ़ गई है. हम, हम है हमें हम एस्पायर करते हैं हमें चांद पर जाना है हमको मार्स पे जाना है हमें बहुत कुछ हासिल करना है तो हम ना एक एस्केलेटर पर हैं जो चलती वाली सीढ़ी होती है ना तो हम एक एस्केलेटर पे हैं जो हमें हमारी एक्सपरेशन की तरफ लेके जा रही है लेकिन उसकी वजह से हम बहुत छोटी छोटी खुशियों को गवा दे गवा चुके हैं जैसे कि एक प्यारी सी नींद अब हमें वो भी जो है क्योंकि हम इतने परेशान रहते हैं नहीं subject, ये सबमिट करना है अरे मुझे प्रोजेक्ट है मेरा प्रेजेंटेशन है नहीं मुझे क्लास लेनी है मेरी मेरी नींद जो है उनकी हवायाँ उड़ चुकी हैं द कंपलशन ऑफ हेक्टिक स्कड्यूल्स बोर्डन द माइंड एंड कॉज स्ट्रेस ये जो हेक्टिक स्केड्यूल के जो कंपल्शन हो गए क्यों आज की डेट में आप स्कूल जाते हो आपके पास स्कूल भी जाना होता है फिर आपको क्लासेस भी लेनी आती है लेनी होती है फिर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करनी होती है देन यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स एंड यू फील दैट मैन वट इज दिस लाइफ हाउ एवर द जॉयज दैट एलियूड आज कैन बी रीगेन बाई प्रैक्टिसिंग पावर मेडिटेशन लेकिन वो खुशियाँ वो जॉय जो हमें छोड़ के जा चुका है एल्यूड का मतलब होता है छोड़ के जा चुका है हम उसको वापस ले सकते हैं बाई प्रैक्टिसिंग पावर मेडिटेशन इट क्रिएट्स ट्रेंक्यूलिटीफा सिंप्लीफाइज लाइफ एंड क्लेंजेज द माइंड तो ये हमारे अंदर ट्रेंक्यूलिटी मतलब एक तरीके से एक संयम लेके आता है लाइफ को सिंपल बना देता है और हमारे माइंड को क्लेंस कर देता है मतलब जितनी गंदगी है वो आउट हो जाती है इट हेल्स कंट्रोल इन्जुलेंस ईगो एंड एंगर एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस हमारे अंदर का जितना गुस्सा है वो हट जाता है हमें अपने आप को कंट्रोल करना आ जाता है हमारा इम्पेश चला जाता है पेशेंस और कॉन्फिडेंस आ जाता है विद पावर मेडिटेशन नेगेटिव गेट डिसिपेटेड एंड अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज अचीव्ड जब हम पावर मेडिटेशन करते हैं तो जितने भी हमारे नेगेटिव थाट होते हैं ना वो धुएं की तरह डिसिपेट हो जाते हैं उड़ जाते हैं और एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आ जाता है जो हम अचीव कर लेते हैं आप क्लियर विद दिस बहुत ही ईजी पैसेज था जहाँ पे हमने बात करी पावर मेडिटेशन के बारे में क्यों करना चाहिए कैसे करना चाहिए ऑल दोज अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन टेन क्वेश्चन हमारे सामने फटाफट स्टार्ट करते हैं माइंड मैनेजमेंट इज असेंशियल क्यों असेंशियल होता है वो पीसफुल सक्सेसफुल और हेल्दी लाइफ के लिए फिट रहने के लिए बहुत सारा पैसे के लिए या दूसरों को डोमिनेट करने के लिए ऑब्वियसली द आंसर इज ए फॉर द पीसफुल सक्सेसफुल एंड हेल्दी लाइफ ट्रेड एग्जीबिटेड बाई नॉलेजेबल पीपल आर जो नॉलेजेबल लोग होते हैं वो क्या कैसे उनका ट्रेड शो करते हैं मतलब उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है वो बिना सोचे किसी का भी साइड ले लेते हैं दे आर सिंपथिटिक टू द डिप्राइव पीपल जो लोगों के पास इनफ चीज़ें नहीं हैं उनके लिए वो बड़े सिम्पैथिटिक होते हैं दे आर जेलस ऑफ हैप्पी पीपल वो लोग

द एज ऑफ कंप्यूटर्स हैज थोन ऑन द एस्कलेटर ऑफ एस्पिशंस बट हैजॉब ऑफ सिंपल टर्म्स लाइक फॉलोइंग अ स्लीप एक्सप्लेन तो ये जो लाइन है इसको आपको एक्सप्लेन करना है तो हमने क्या आंसर लिखा है रनिंग बिहाइंड द एस्पिश एंड कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ वी हैव ओवरबर्डन आर्स विद हेक्टिक स्केड्यूल्स दैट बर्दन द माइंड एंड कॉस स्ट्रेस जो हम अपनी You know, जो इच्छाएं हैं उनके पीछे जो हम भाग रहे हैं और जो कंफर्ट्स हैं लाइफ के उनके पीछे जो हम भाग रहे हैं उससे हमने अपने आप को ओवरबर्डन कर लिया है और उसकी वजह से हमारा जो माइंड है उसमें सिर्फ स्ट्रेस हो गया है साइकोलॉजिस्ट से दैट एवरी इंटरेस्ट इज फर्स्ट बोर्न इन द माइंड एज अ वॉट इज द आंसर हर थाट जो है पहले हमारी माइंड में एक किसकी तरह जन्म लेता है सीड की तरह फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट ऑन आइडियाज सो पैराग्राफ टू में द आंसर इज कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस जो कि प्रैक्टिकल चीजों पर बेस्ड है सिर्फ आप हवा में कोई चीज नहीं कर रहे हो नेक्स्ट इज हाउ डज अ वाइस पर्सन रियक्ट टू डिफरेंट आइडियाज जो वाइस पर्सन होता है वो डिफरेंट आइडियाज पे कैसे रिएक्ट करता है A wise person does not stand for or against any idea without concrete reason. फॉर या अगेंस्ट में खड़ा नहीं होता ही वर्क अकॉर्डिंग टू दिचुएशन एंड कैपैसिटी वो सिचुएशन और कैपेसिटी के हिसाब से रिएक्ट करता है समझदारी के साथ देखता है

Helps control indolence, ego, and anger and builds confidence and patience. With power meditation, negative thoughts get dissipated and a sense of happiness is achieved. Easy? This passage bohat easy tha compared to the previous ones, right? चलिए अब हम आते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ ग्रामर ग्रामर में आपको आप ये मान के चलो आपको पूरे मार्क्स कंपलसरी मिलने वाले हैं क्योंकि हर टॉपिक आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है और कोई बात नहीं अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे थोड़े बहुत डाउट हैं क्यों क्योंकि हम तो यहाँ पे हैं आपके लिए प्लस सारे वीडियोज हर पर्टिकुलर टॉपिक पे <coughs> चांदी मैम ने बहुत ही अच्छे से बना के दिए हुए हैं लेकिन अगर मान लो उसके बाद भी कोई टॉपिक में इशू है कोई भी ग्रामर का टॉपिक में इशू है देन आपको स्वाति मैम के भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे तो बस टॉपिक डालो और आपको इतने वीडियोस, इतनी एक्सरसाइजेस मिलेगी कि कोई डाउट नहीं होगा लेकिन उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो लिखो कमेंट सेक्शन में और लिखने के बाद मैं हाजिर सोचाऊँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं यू हैव टू अटेम्प्ट एनी टेन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे आपको टोटल ट्वेल्व क्वेश्चन दिए हैं ग्रामर के अब आपको इसमें से कोई टेन करने हैं स्टार्ट करते हैं मैं तो सारे कराऊंगी आपको इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देर आर लिटरेसी क्लासेस फॉर वर्कर्स डैश ऑफ होम नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्कर्स जो होते हैं जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए लिटरेसी क्लासेस हैं मतलब साक्षरता मतलब पढ़ाई कराई जाती है उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है डैश ऑफ होम नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल जिसमें से मैक्सिमम वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी हाई स्कूल से ग्रेजुएट ही नहीं हुए हैं तो अ लिटिल ऑफ होम मच ऑफ होम एनी और मैनी पहली चीज तो हम बात कर रहे हैं वर्कर्स की और वर्कर्स क्या है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है सो so ऑब्वियसली ये काउंटेबल है काउंटेबल अगर है तो काउंटेबल के साथ जो है आप मच तो लगा नहीं सकते क्योंकि मच अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है लिटिल भी नहीं लगा सकते अब आप एनी या मैनी लगाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा मैनी हो जाएगा क्यों मैनी ऑफ होम मे व ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल जिनमें से बहुत सारे लोग कभी भी हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुए थे नेक्स्ट इज यू डैश टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अब यहाँ पे आपको मोडल वर्ब डालना है देखो मोडल वर्ब के साथ ये है है कि वर्ब डिपेंड करता आपके मूड पे लेकिन यहाँ पे हमें देखना पड़ता है एडवाइस दे रहे हैं सजेशन दे रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आप मोडल वर्ब यूज करोगे यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू वुड और यू ऑट टू अब वुड तो डेफिनेटली नहीं होगा ठीक है वुड तो डेफिनेटली नहीं होगा तुम्हें करना चाहिए तुम्हें करना ही चाहिए यू ऑट टू अब ऑटो यूज होता है जब कोई हम मॉरल वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पे ऑट टू भी नहीं आएगा अब मस्ट और शुड तो अगर मैं किसी को सिंपली एडवाइस दे रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ राइट अगर मेरे को बोलना नहीं यार तुम्हें तो ख्याल रखना ही चाहिए देखो आने वाले टाइम में तुम्हारे घर में शादी होने वाली है तुम्हें बहुत सारे लोगों का ख्याल रखना है तब कैसे करोगे तब आएगा यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ तो यहां हमारे पास कोई सपोर्टिव स्टेटमेंट नहीं है जो ये बता रहा है कि हम कितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ बोल रहे हैं तो ये दोनों दो ये दोनों आंसर सही हैं हम जाएंगे शुड की तरफ ठीक है और मस्ट uh, की तरफ भी जा सकते हैं तो आप जो है इन दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक विद मेंबर्स डैश रियली वेल अब इज पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन आ गया है सर दीपक विद इज मेंबर्स डैश रियली वेल तो दीपक जो है गाता है अपने मेंबर्स के साथ रिमेंबर दिस थिंग ये है मेरा सब्जेक्ट मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं दीपक के बारे में बात कर रही हूँ तो ये है मेरा सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद जब आप बोलते हो विद हिज मेंबर्स या अलोंग विद हिज मेंबर्स तो इसको जो है हम कंसिडर नहीं करते अब हमारा जो वर्ब आएगा वो हमारा इसी सब्जेक्ट के हिसाब से हम यूज़ करेंगे सो so दीपक के साथ क्या आएगा सिंग sing आएगा सिंगिंग तो हो नहीं सकता सिंगिंग रियली वेल नहीं क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो नहीं सकता हैव संग भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट यू नो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट लेकिन आपके पास उसके लिए भी कोई दीपक हैव संग रियली वेल नो दीपक सिंगुलर है तो हैव तो आएगा ही नहीं अब एक हो गया सिंग और एक हो गया सिंग्स दीपक सिंगुलर है तो हम सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से सिंग्स यूज करेंगे सो so आंसर हो जाएगा हमारा डी अब है शी डैश फॉर द ग्रोसर्स वेन आई हर तो जब मैंने उसको देखा था तब वो ग्रोसर की तरफ देख रही थी ठीक है तो क्या हो जाएगा शी मतलब वो उसको ढूंढ रही थी यहाँ पे टू लुक फॉर समवन किसी को हम जब ढूंढते हैं उसको बोलते हैं आई वो जैसे मैं बोलूंगी आई वॉज लुकिंग फॉर माई स्टूडेंट मैं अपने स्टूडेंट को ढूंढ रही थी आई वॉज लुकिंग फॉर अ पेन मैं एक पेन ढूंढ रही थी ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा शी वो जब मैंने उसे देखा था जब मैंने उसे देखा था मतलब मैं पास्ट की बात कर रही हूं तब वो ग्रोसर को ढूंढ रही थी तो यहाँ तो आएगा नहीं प्रेजेंट की बात कर रहा है हैज बीन नहीं आएगा प्रेजेंट की बात कर रहा है विल भी नहीं आएगा फ्यूचर की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा वॉज लुकिंग वो जो है जब मैंने उसे देखा था वो एक ग्रोसर को ढूंढ रही थी क्लियर चलिए नेक्स्ट देखते हैं which ऑप्शन डिस्प्लेस द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच तो यहाँ पे है द टीचर said water boils एट hundred डिग्री Celsius. सो so, water boils एट hundred डिग्री Celsius. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वाटर boils एट hundred डिग्री सेल्सियस जो है यह एक फैक्ट है और फैक्ट जब भी होता है तब हम इसमें टेंस को चेंज नहीं करते हैं मतलब टीचर ने बोला या मैंने बोला मैं भी यही था बोला कि पानी जो है ना वो हंड्रेड डिग्री पे बॉईल होता था अब क्या है दो, दो सौ हो गया ऐसा होता है कुछ नहीं होता ना तो जब भी कोई फैक्ट है तब आप उसका टेंस चेंज नहीं करोगे टीचर सेड है यहाँ पे तो सेड का सेड ही रहेगा द टीचर सेड दैट वाटर बॉयल एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द टीचर सेड दैट वाटर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सी अंडरस्टूड Next question: hai, Which option displays the correct change of the following to reported speech? आई सेड टू माई सर्वेंट मेक मैंने अपने सर्वेंट से कहा जल्दी करो मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करो तो यहाँ पे अब इसको कैसे बोलेंगे I अब यहाँ पे सेड की जगह मैंने अपने नौकर से बात करी है तो मैं उसके लिए ये भी बोल सकती हूँ I ordered या फिर I told him, I asked him. ठीक है ये तीनों हो सकते हैं तो ये ordered भी सही है और आज भी ठीक है I asked my servant यहाँ तक तो सही है ठीक है टू मेक हेस्ट अब यहाँ पे क्या है दैट वर्ड अज ही नॉट मेक स्टेट ये तो आपने सेंटेंस ही चेंज कर दिया इट इज़ गुड टू मेक हेस्ट ये भी आपने सेंटेंस चेंज कर दिया आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट दैट मेक हेस्ट नहीं आई मैंने बोला उससे कि जल्दी करो टू मेक हेस्ट सो आंसर क्या हो जाएगा आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू मेक हेस्ट अब है द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड देयर इज एन एरर इन ईच लाइन आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट इट्स करेक्शन अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर रिमेंबरलाइन द करेक्शन द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे आपको एरर दिया जाएगा और आपको सही आंसर लिखना है एरर भी बताना है और सही आंसर भी लिखना है द डेट ऑफ चाइनीज न्यू ईयर इज डिटरमाइंड एट अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है At नहीं आएगा यहां पे क्यों? किस किस तरीके तरीके से से पहचानी जाती है है में? उसको किस से आप पहचान, पहचान पाते हो? Lunar calendar को देख के. तो ये at repeat इसे हम देते हैं। इन द सेकेंड न्यू मून इन द सेकेंड न्यू मून कभी भी नहीं आएगा इन नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा ऑन ऑन द सेकेंड न्यू मून एट डिसम्बर ट्वेंटी वन अगेन डिसम्बर ट्वेंटी वन तो पहले आप, आपको एक पूरा दिन बताया जा रहा है ऐट नहीं लिखोगे आप क्या लिखोगे ऑन लिखोगे ठीक है दस ईच टाइम द न्यूयॉर्क इन चाइना फॉलिंग ऑन डिफरेंट डेट्स नहीं इसीलिए हर बार जो न्यूयॉर्क न्यू ईयर होता है चाइना में वो अलग अलग दिन पे पड़ता है फॉलिंग नहीं आएगा यहाँ पर आप एक बेसिक स्टेटमेंट बता रहे हो सिंपल प्रजेंटेंस का सेंटेंस है तो यह आ जाएगा फॉल्स ऑन डिफरेंट डेट्स ओके अब आते हैं एट क्वेश्चन पे डॉल्फिन एंड किलो वेल्स हैज़ लर्नड इलेबरेट रूटीन अब जॉन्स डौ, डॉल्फिन जो होते हैं और किलर वेल्स जो होते हैं उन्होंने एक प्रॉपर रूटीन सीखा हुआ है लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ बहुत सारी डॉल्फिन और बहुत सारी किलर वेल्स तो मैंने यहाँ पे हैज क्यों यूज़ किया है मुझे तो प्लूरल यूज़ करना है तो ये गलत हो तो जाएगा हैज़ की जगह आ जाएगा हैव तो ये आगे आपका एरर ये आगे आपका करेक्शन नेक्स्ट इज़ दे आर थाट बाई मैन टू बींग मोस्ट साइंटिफिकली इंटेलिजेंट दैन मी अब यहाँ पर बोल रहे हैं दे आर थाट बाय मैन ऐसा लोगों के द्वारा सोचा जाता है कि वो लोग जो है टू बी आएगा यहाँ पे बींग नहीं आएगा कि वो लोग जो है साइंटिफिकली ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दैट दे आर मोस्ट साइंटिफिकली इंटेलिजेंट दैन मी अब ये दैन की स्पेलिंग में यहाँ पे गड़बड़ हो गई है क्योंकि यहाँ आप कंपेयर करते हो जब कंपेयर करते हो दैन की स्पेलिंग होती है टी एच ए एन तो ये हो गया इसके बाद क्या है इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दे हैड शोड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने दिखाया था ग्रेट स्किल फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स उन्होंने दिखाया था पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो दे हैड शोड नहीं होगा इसमें क्या आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा विच इज शोन दे हैड शोन ठीक है ग्रेट स्किल फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट तो ग्रेट स्किल जहाँ पे आ जाएगा फॉर नहीं इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स चीज़ों के बीच में भेद मतलब अलग अलग डिस्टिंग्विश करने में उनको बहुत ज़्यादा जो है स्किलफुल हैं वो तो ये रहे आपके आंसर्स

The manager said, due to heavy rains, the aeroplane can't take off. The man shouted, let me go. अब आपको इसका speech change करना। है। You have to report the conversation. So the manager said that, अब यहाँ पे क्या है, due to heavy rains, the aeroplane can't take off. अब यहाँ एक modal verb है, तो modal verb का can't का क्या हो जाएगा? Couldn't. तो इसमें आप क्या बोलोगे? The manager said that due to heavy rains, the aeroplane couldn't take off. अब उसमें मैन ने क्या शाउट किया था द मैन शाउटेड लेट मी गो सो द मैन शाउटेड टू देम उसने उन पे चिल्लाया टू लेट हिम गो दैट इज इट ओके देखा गुड परफॉर्मेंस अब आपको इसमें क्या करना है एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है ही हैज शोन गुड परफॉर्मेंस सब्जेक्ट क्या है ही और क्या किया उसने गुड परफॉर्मेंस शो किया ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आ जाओ गुड परफॉर्मेंस हैज शोन का क्या हो जाएगा has has been been shown. shown So So good performance has been shown by him. He ka kya ho him. So, answer kya ho answer ho B. Next question is शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो आठ बजे आएगी तो इसका क्या हो जाएगा एक शताब्दी एक्सप्रेस कोई भी शताब्दी एक्सप्रेस कुछ शताब्दी एक्सप्रेस या एक ही शताब्दी एक्सप्रेस है द शताब्दी एक्सप्रेस तो ऑब्वियसली द आंसर हियर वुड बी द ओके अब आते हैं हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स पे अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो तो आपको दो क्वेश्चन दिए हैं इन दोनों में से आपको कोई सा एक क्वेश्चन करना है मतलब यहाँ हम लेटर राइटिंग पे आ चुके हैं यू आर श्याम सिंह एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एट नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी कोलकाता नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी कोलकाता में आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आउटसाइड योर कॉलेज देयर इज अ रिवर विच इज पॉल्यूटेड बाय द लोकल्स आपके कॉलेज के बाहर एक नदी बहती है जिसमें लोकल्स ने बहुत ज्यादा गंद मचा रखी है

लेट स्टार्ट सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास सेंडर्स एड्रेस जो भेज रहा है बिल्डिंग नंबर मेन मार्केट कोलकाता लीव अ लाइन एंड राइट द डेट अप्रैल एंड इसके बाद अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड देन यू विल राइट द रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है एडिटर सो द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया कोलकाता अब आते हैं हम सब्जेक्ट पे। सो so सब्जेक्ट क्या है नीड फॉर पीपल टू जॉइन इन रिवर क्लीनिंग रैली मतलब लोगों की ज़रूरत है कि भाई वो लोग आएँ और एक रिवर क्लीनिंग रैली को ज्वाइन करें अब आते हैं हम हमारी सेल्यूटेशन पे। तो सेल्यूटेशन में आपने क्या लिख दिया है सर ओके okay. अब हम अपनी बॉडी स्टार्ट करते हैं लेटर की थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़ पेपर आपके इस जाने माने न्यूज़ पेपर के कॉलम के थ्रू आई वुड लाइक टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रेजेंट डे इश्यू नियर द कैंपस ऑफ द नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता मैं लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ उन्हें अवेयर करना चाहता हूँ आज के डेट की इस मुद्दे के बारे में जहाँ पे जो है नियर द लाइक जो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी है कोलकाता की उसके पास में जो एक प्रॉब्लम चल रही है उस बारे में मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ द रिवर नियर द कैंपस इज पोल्यूटेड बाय द लोकल्स एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर द एनिमल्स टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट तो कैंपस के पास की जो रिवर है वो लोकल्स ने बिल्कुल पोल्यूट कर दी है और वहाँ पे अब एनिमल्स जो है उनके लिए पानी पीना भी संभव नहीं हो पा रहा है people use the water to do their daily chores but since it is filled with plastic bottles, wrappers and bags, they are not able to take water. तो लोग जो होते हैं उस पानी को अपने दिन मतलब रोज़ के जो डेली chores होते हैं हर दिन के जो काम होते हैं उसके काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं लेकिन वहाँ प्लास्टिक बॉटल्स का मतलब और कचरा पड़ा हुआ है बैग्स पड़े हुए हैं जिसकी वजह से वो पानी भी नहीं ले पाते the locals come to visit the river during the evening and sit beside the river to enjoy some time but most of the people come and so so come and throw t h r o w okay throw some plastic items which flow into the river log aate hain locals पानी के पास बैठने के लिए यू नो एंजॉय करने के लिए लेकिन आते हैं उसका चीज़ें फेंकते हैं जैसे कुछ खाया एप्पल है plastic bottles हैं glass bottles हैं वो फेंक के वहीं चले जाते हैं

पीपल अवेयर ऑफ द इश्यू एंड क्लीन अप द रिवर बाय आरसेल्स तो मैंने ये डिसाइड किया है कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ कि हम एक रैली निकालेंगे जिसमें हम खुद इस रिवर को क्लीन करेंगे

इश्यू को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करो सो दैट पीपल गेट टू नो अबाउट द इश्यू एंड जॉइन हैंड्स विद अस ताकि लोगों को वो जागरूक हो पाए इस बारे में और वो हमारे साथ अपना हाथ मिला पाए, मतलब हमारे साथ इस रैली में पार्टिसिपेट कर पाए थैंकिंग यू योर सिंसेरली श्याम सिंह क्लियर बहुत ईजी है अब आते हैं नेक्स्ट अब इसमें जो बी पार्ट है यू आर साक्षी और सक्षम होटल होस्टल वॉर्डन राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल वृंदावन उत्तर प्रदेश तो तुम्हारा नाम या तो साक्षी और लड़के हो तुम तो तुम्हारा नाम सक्षम है और तुम एक हॉस्टल के बॉर्डन हो राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल वृंदावन उत्तर प्रदेश मतलब तुम्हें यहाँ पे जो है एड्रेस दे दिया गया है राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायसेस लिमिटेड न्यू दिल्ली प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर फैंस माइक्रोवेवस ovens and geysers that you wish to purchase for the hostel. तो अब जो है तुम hostel warden हो तुम्हें क्या करना है तुमको एक letter लिखना है sales manager को कौन कहाँ कहाँ का sales manager है भारत electronics and domestic appliances limited इसका full address क्या है new delhi ठीक है और तुम्हें order place करना है किस चीज़ के लिए order place करना है fans, microwaves, ovens और geysers ठीक है जो तुम्हें होस्टल के लिए खरीदना है ऑब्वियसली तुम्हें डिस्काउंट भी मांगना पड़ेगा तो यहाँ पे हम जो है ऑर्डर प्लेसमेंट वाले लेटर फॉर्मेट में आ चुके हैं सो लेट्स स्टार्ट लेटर सो सबसे पहले आ गया हमारा सेंडर्स एड्रेस राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल वृंदावन उत्तर प्रदेश लीव में लाइन एंड नाउ यू विल राइट द रिसीवर्स एड्रेस द सेल्स मैनेजर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायसेज लिमिटेड न्यू दिल्ली वंस रिटर्न अब आप सब्जेक्ट पे आ जाओगे सब्जेक्ट क्या है प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है सो अब इसके बाद आप सल्यूटेशन पे आ जाओ डियर सर This is to inform you that our school management has decided to place an order with your company for the supply of some electronic items. The list is given below. तो ये मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारे जो स्कूल मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया है एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपकी कंपनी के साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स की हमें सप्लाई चाहिए और लिस्ट क्या है तो ये रही लिस्ट 50 फैंस चाहिए ब्रांड क्या है बजाज 25 माइक्रोवेव्स एलजी के 30 ओवेन्स फ़िलिप्स के और 25 गीज़र्स नोवा के ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन अब ये जो मैं लिख रही हूँ ना यहाँ से यहाँ तक अब आपको बुक्स के लिए बोला जाए क्रिकेट के सप्लाई के बारे में बात की जाए स्पोर्ट्स गुड्स के बारे में बात कर लाए ये ना मोस्टली वैसे का वैसा रहेगा तो इसको तो आँख बन करके याद कर लेना ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन वेल बाउंड एंड पैक्ड प्रॉपरली

तो यहाँ पे जितने भी आप सामान दे रहे हो तो यहाँ पे आप जो है इंस्ट्रूमेंट की जगह हर अप्लायंस भी कर सकते हो अगर आपके पास क्रिकेट के गुड्स हैं तो आप जो है स्पोर्ट्स गुड लिख सकते हो सो इन केयर ऑफ एनी डैमेज कॉज ट्रांसपोर्टेशन शेल ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पर भी कुछ टूटा वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होप फ्यूचर रिपेयरली तो फ्यूचर में जब हमें किसी चीज़ की सर्विसिंग करवानी पड़ेगी या हमको कहीं कोई इशू आ होगा तब मुझे उम्मीद है कि आप जो हो बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी और सेटिस्फाई करते हुए ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है ये पूरी करोगे द पेमेंट विल बी मेड थ्रू अ क्रॉस चेक टू योर एजेंट जस्ट आफ्टर द डिलीवरी पेमेंट कैसे किया जाएगा आपका जो भी एजेंट आएगा डिलीवर करने के लिए हम उसे क्रॉस चेक दे देंगे एंड दैट इज इट योर्स फेथफुली सक्षम होस्टल वार्डन क्लियर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हमें सेकंड पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें भी यू हैव टू डू वन रीड द फॉलोइंग सर्प्ट फ्रॉम एन आर्टिकल दैट अपेयर इन द मैगजीन सेक्शन ऑफ अ लोकल डेली अब यहाँ पे एक मैगजीन सेक्शन में एक छोटा सा एक आया है द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक इज इम्प्रैक्टिकल आप जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उस पर जो बैन लगा रहे वो बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल सी बात है

राइट अ पैराग्राफ टू एनालाइज द गिवन आर्ग्यूमेंट ये जो आर्ग्यूमेंट है जिसमें कहा गया है कि प्लास्टिक का यूज करना चाहिए अब आपको इसके या तो फॉर में लिखना है या तो अगेंस्ट में लिखना है यू कुड थिंक अबाउट वॉट ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनशंस माइट वी कैन द गिवन कंक्लूजन एंड इंक्लूड रैशनल एविडेंस दैट वुड स्ट्रेंथन और काउंटर द गिवन आर्ग्यूमेंट रिमेंबर जब भी आप आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो तो आप फॉर या अगेंस्ट दोनों में लिख सकते हो ठीक है सो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक इज इम्प्रैक्टिकल तो आई डू नॉट अग्री विद दिस मेरे हिसाब से प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए सो वट हैव आई रिटर्न आई टोटली डिसअग्री विद द पॉइंट दैट बैन ऑन प्लास्टिक इज इम्प्रैक्टिकल मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से uh, मतलब अग्री नहीं करती कि बैन ऑन प्लास्टिक इज इम्प्रैक्टिकल

लेकिन उसके जो हजार्डस इफेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो जो पार्ट होता है ना ये एकदम नेग्लेजिबल हो जाता है प्लास्टिक्स कैन डैमेज आ इन्वायरमेंट इन न्यूमरस वेज प्लास्टिक्स जो हैं हमारे इन्वायरमेंट को बहुत अलग अलग तरीके से बर्बाद कर रहे हैं वन ऑफ देम इज दैट दे काज पोल्यूशन एक सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर है कि वो पोल्यूशन करते हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड देअर फो पोल्यूट द सॉइल आप जब प्लास्टिक को कहीं फेंक देते हो तो थाउजेंड ई ईयर्स तक प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड नहीं होता कभी भी वो डिग्रेड नहीं होता विच मीन्स कि वो मतलब मिट्टी के अंदर जाके वो उसको पोल्यूट कर देता है वेन हीटन बाई एनिमल्स इट कैन ईवन कॉज डेथ अगर गलती से किसी एनिमल ने प्लास्टिक को खा लिया तो इट कैन ईवन कॉज डेथ नो डाउट इट इज डिफिकल्ट टू इंस्टेंटली स्टॉप यूजिंग प्लास्टिकली बात है जिस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा यूज तो हो चुके हैं उसको एकदम से जीरो करना इज नॉट ईजी लेकिन वी कैन टेक सर्टन मेजर्स टू डू द सेम इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स वी कैन यूज क्लोथ बैग्स एंड वी कैन यूज मेटल कंटेनर्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक वन तो आप प्लास्टिक बैग्स की जगह क्लोथ बैग्स यूज़ करो जूट बैग्स यूज़ करो और अगर आप जो कंटेनर्स जो प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हो उसकी जगह आप क्ले पॉट्स यूज़ कर सकते हो या आप उसकी जगह मेटल कंटेनर्स भी यूज़ कर सकते हो बाय अडॉप्टिंग दिस स्मॉल मेजर्स स्लोली एंड स्टेडली वी कैन इराडिकेट प्लास्टिक बैग्स एंड आर्टिकल्स कंप्लीटली ये छोटे छोटे मेजर्स को अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे तो धीरे स्लोली एंड स्टेडली जो है ये जो प्लास्टिक का यूसेज है वो एकदम तरीके से ख़त्म हो जाएगा बाई डूइंग सो वी ऑल विल प्रोटेक्ट आर मदर अर्थ एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंस अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उसकी जो सारे कॉन्स्टिट्यूंट हैं उसको भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे फिर चाहे वो एनवायरमेंट है एनिमल्स हैं एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग

खाना बनाने का काम फीमेल का या खाना बनाने का काम मेल का बर्तन धोने का काम मेल का ऐसे करके पूरे जो है सेग्रीगेट कर दिए हैं राइट एंड एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द चार्ट गिवन इन नॉट मोर देन टू हंड्रेड वर्ड्स तो अब आपको इस पर एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है नॉट मोर देन टू हंड्रेड वर्ड्स ठीक है तो ये रहा हमारा चार्ट हमारे सामने इसको एक बार हम समझ लेते हैं यहाँ पे है मिनट्स पर पर्सन पर डे तो कोई इंसान जो है एक इंसान कितने मिनट्स उस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करेगा सो so, जैसे यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कुकिंग बेकिंग वॉशिंग अप तो यहाँ पे जो मेल्स हैं फीमेल्स हैं तो मेल थर्टी मिनट्स करेंगे फीमेल्स जो हैं एटी मिनट्स करेंगी क्लीनिंग हाउस और टाइडिंग अगेन मेल्स जो हैं सिर्फ ग्यारह मिनट के अराउंड करते हैं और फीमेल्स जो हैं वो अराउंड फिफ्टी फाइव मिनट्स एक घंटा देन गार्डनिंग और पेट केयर यहाँ पे मेल्स जो हैं वो कम से कम इसमें फिफ्टी मिनट्स पर डे दे देते हैं और फीमेल जो है वो अराउंड ट्वेंटी वन मिनट्स देन केयर ऑफ ओन चिल्ड्रन एंड प्ले तो यहाँ पे मेल का कम है ट्वेंटी परसेंट एंड फीमेल इज अराउंड फोर्टी फाइव परसेंट देन मेंटेनेंस जॉब्स जो ये और जॉब्स होते हैं नल खराब हो गया पानी नहीं आ रहा एंड ऑल दोज थिंग्स अगेन मेल ये ज़्यादा करते हैं ऑलमोस्ट इट इज ट्वेंटी एट परसेंट फीमेल इज लाइक जस्ट टेन परसेंट नाव क्लोथ वॉशिंग आयनिंग सीविंग घर के बथेरे काम जो होते हैं मेल इट्स लाइक ओनली टू परसेंट थ्री परसेंट एंड फीमेल इट्स लाइक अराउंड ट्वेंटी रॉन्ग फिगर दिस बट इट्स ओके ठीक है सो यहाँ पे बेसिकली आपको ये पूरा मिल चुका है मेल कितने हैं यहाँ पे थर्टी थर्टीन फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स टू एंड फीमेल्स जहाँ पे पूरा दिया हुआ है डिविजन ऑफ हाउस होल्ड चोस दिया हुआ है बेसिकली तो अब हम यहाँ देखते हैं इसके ऊपर हम किस तरीके से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हैं The chart shows the number of minutes per day spent by British men and women in doing household tasks. ये जो चार्ट है ये क्या शो कर रहा है कि जो ब्रिटिश मेन एंड वुमेन हैं वो घर के काम जो करते हैं तो कितने मिनट्स पर डे होते हैं ऑन एन एवरेज द वुमेन स्पेंड अबाउट फोर आवर्स डूइंग हाउस होल्ड टास्क एवरेज अगर देखा जाए तो एक जो वुमेन है वो चार घंटे घर के काम में लगाती है और जो मेन है वो ऑलमोस्ट टू एंड आवर्स स्पेंड मोर टाइम देन मेन इंक्लूड कुकिंग हाउस टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेन एंड लॉन्ड्री तो हमने जहां जहां पर भी वुमेन का परसेंटेज ज्यादा था हमने उसकी एक लाइन बना दी In in doing all these these tasks, tasks. women spend approximately 200 minutes, which is almost three times the time spent by men in these tasks. अब पे क्या दिया हुआ है कि ये सारे काम में वो कितने ज्यादा minutes करते देखो analytical paragraph का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ information जितनी है वही है सामने उसके अलावा आप खेल नहीं सकते information के साथ तो यहाँ आपको करना क्या है पहले आपने बता दिया कि कितने कितने में ज्यादा है कितने में कम है सबसे ज्यादा किस में है सबसे कम किस में है टोटल मिनट्स कितने ज्यादा है, टोटल मिनट्स कितने कम है इससे क्या पता चलता है इससे आपका एनालिसिस क्या होता है तो यही होता है एनालिटिकल पैराग्राफ सिंपल है बहुत सबसे मतलब एम टेलिंग यू सिर्फ आपको सेंटेंस फॉर्म करना आना चाहिए पूरा डेटा आपके सामने है मन से कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको ठीक है ऑन दी अदर हैंड

the time spent by men in washing ironing and sewing clothes is as low as 2 minutes per day as opposed to 25 minutes spent by women Ki jo men have ironing washing sewing cleaning in sab mein hardly 2 minutes spent by women they spend around 25 minutes in that in short women spend far more time doing household chores than men whilst मेन प्रीफर टू डू गार्डनिंग पेट केयर एंड मेंटेनिंग और जॉब्स तो यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि जो वुमेन है वही हाउस होल्ड के सारे काम और घर के सारे काम ये सब वही देखती हैं और मेन जो है वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं गार्डनिंग हो गया पेट केयर हो गया मेंटेनेंस जॉब्स हो गया क्लियर दस चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ विच इज लिटरेचर लिटरेचर का तो एक एक चैप्टर हम जो है एक एक लाइन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं तो अब यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपको ये जो तीन एक्स्ट्रैक्ट दिए हैं इनमें से कोई से अभी मतलब ये दो एक्सट्रैक्ट दिए इनमें से कोई सा एक करना है ठीक है द वे ऑफ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्राम अमलॉक ट्री हेज गिट अज ऑफ मूड एंड सेव समे आईड रूड आपको नहीं लगता इसकी लाइन जो है अब रट गई है कि हाँ मैम डस्ट ऑफ स्नो तो बहुत ही अच्छे से आ चुका है बिल्कुल अब इसमें क्वेश्चन क्या दिए दें हैं वो देख लेते हैं ऑफ द मेनी द दैमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स चूज द वन दैट फ्लॉस ड्री अपॉन एन ऑल लाइकलीहुड फॉर दिस पर्टिकुलर पोम सो इतने सारे जो सिंबल्स हैं हेमलॉक ट्री जो इतने सारे सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करता है ये जो पोएट हैं इन्होंने फ्रॉस्ट सर जो है इन्होंने किस पे जो है फोकस किया हुआ है सिम्बल ऑफ लॉन्जिविटी सिंबल ऑफ टोगेदरनेस सिम्बल ऑफ हीलिंग या सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा इज इट सिम्बल ऑफ टुगेदरनेस सिंबल ऑफ हीलिंग सिम्बल ऑफ प्रोटेक्शन क्या रहेगा द आंसर इज सिंबल ऑफ हीलिंग दैट एवरीथिंग इज गेटिंग हील्ड इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में इसको अप्रोच किया है सो नेक्स्ट हि वी हैव चूज द ऑप्शन दैट लिज द पॉसिबल फीलिंग्स ऑफ द पोइट प्रायर टू द एक्सपीरियंस शेयर इन द पोम तो यहाँ पे है इन ऑप्शन में से कौन सी फीलिंग्स हैं जो पोम में इनिशियली पोइट एक्सप्रेस कर रहे हैं सो इट इज़ रीअश्योर्ड क्यूरियस बहुत कुछ जानने की इच्छा थैंकफुल इंपल्सिव मतलब जहाँ पे आप बहुत बेचैन होकर कोई भी काम कर देते हो या फिर डिसअपॉइंटेड डीमोटिवेटेड और डिसहार्टेंड तो आपके पास ऑप्शन क्या है वन थ्री एंड सेवन टू फोर एंड सिक्स फाइव सेवन एंड वन थ्री क्या होगा इसका आंसर So, इसका आंसर है चलिए. क्योंकि क्या बोला है इनिशियली पोम जब स्टार्ट होती, जब तक उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो नहीं गिरी थी तब तक वो कैसा फील कर रहा था अब है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट नॉट यूज द वर्ड करेक्टली रू का मतलब क्या होता है पूरा खराब हो जाना राइट right? तो यहाँ पे कौन सा वो सेंटेंस है जिसमें र्यू का करेक्ट मीनिंग यूज नहीं किया गया है क्या चलिए दूसरा देख लेते हैं आई एम श्योर शी रूड द डेसन टू फॉर्च्यून टेलर मुझे पक्का पता है कि उसका पूरा दिन बर्बाद हो गया होगा क्योंकि उसने वो एक ज्योतिष के पास गई थी डू यू थिंक ओके इट वॉजेंट लॉन्ग बिफोर आई रूड माई डिसंस एंड माई डिस सो इट वॉज लॉन्ग बिफोर कि मैंने अपना जो डिसबीडियंस था उसको रिग्रेट किया अदर्स फाइनली रू द वन हु इज डिसऑनेस्ट एंड हार्टलेस लोग उसको परेशान करते हैं जो कि डिसऑनेस्ट होता है और हार्टलेस होता है सो वट इज द आंसर हि द लास्ट वन आप किसको खराब करते हो लाइक अदर्स फाइनली रू द वन हु इज डिसनेस्ट एंड हार्टलेस जो डिसऑनेस्ट होता है जो हार्टलेस होता है हम उसी को नापसंद करते हैं आप विद दिस इसका मतलब रिग्रेट नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिने पोइट्रिक डिज दैट यूज अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल एग्जाम्पल दैट इज अ ग्रेट ग्रेट सेट ऑफ व्हील्स सेट ऑफ व्हील्स हैज़ बीन यूज फॉर कार्जाम्पल ऑफ स्नेगडो फ्रॉम द पोम अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपको बोला गया हुआ है जैसे बोला दैट्स अ ग्रेट सेट ऑफ व्हील्स

एंड सेव समे आई रूड तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज ऑफ मूड गिवेन माई हार्ट में सिर्फ हार्ट की बात नहीं कर रहा है ओवरऑल बात कर रहा है दट इट है इंटायर हिम कि उसको एक चेंज ऑफ मूड मिलाए आई विद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ओके okay? चूज द ऑप्शन शोइंग द रीजन नॉट करस्पॉन्डिंग विद अक्रोश डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो सो कौन सा वो ऑप्शन है जो कि इसके साथ नहीं जा रहा है अक्रोश शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो द क्रोज लैंडिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री क्रो है जो एक ब्रांच ऑफ अ ट्री पे लैंड किया है जो नहीं जा रहा है हाँ द शिवरिंग ऑफ द क्रो ड्यू टू कोल्ड कोल्ड हो गया था

अगर वो आके बैठा तो उसके ऊपर स्नो गिर सकती है अगर उसको बड़ी ठंड लग रही थी और वो शिवर कर रहा था तो उस पर गिर सकती है अगर उसने अपने आपको एडजस्ट किया तो गिर सकती है लेकिन कांव काउ करने से कुछ नहीं गिरेगा क्लियर नेक्स्ट क्या है अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम हैव टेस्टेड होल्ड विद दो बट इफ इट है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट समू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुट सफाइज ये जो है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फायर एंड नाइस मैं भी सब बता रही हूँ उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा ठीक है एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड आएगा वरना लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकता है सो चूज द करेक्ट आंसर स्टेटमेंट अबाउट द गिवन पोम तो ये पोम हमें क्या बता रही है आइस और फायर के बारे में बता रही है उनके hazardous, hazardous के बारे में बता रही है फायर एंड आइस आर इमेज they help the readers visualize the power of nature over man fire or ice kya hai ye images hain aur wo jo hai they help the readers visualize matlab मतलब ki ये जो है एक ऐसी इमेजरी उसने create की है हमारे पोइट ने जिसके थ्रू हम जो है नेचर का पावर मैन के ऊपर देख पा रहे हैं क्या वो ये करना चाह रहा है दूसरी चीज है

जहाँ पे और ये नेचर के एलिमेंट्स नहीं है ये मैन मेड है और जिसमें इतनी क्षमता है कि वो उसको क्रिएट करके जो है मैनकाइंड के लिए क्रिएट कर सकते हैं एंड एंड लास्ट में फायर फायर आइस आर एजेंट्स एजेंट्स अब वो वो पे बोल रहा है कि ice, जो है कि जो हैं दे चेंज द थिंकिंग ऑफ मैन नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ब्रिंग हार्मनी नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग कर देते हैं अब ये क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला है कि पोम के बारे में क्या सही है क्या ये इमेजरी है सिंबल्स हैं एलिमेंट्स हैं या एजेंट्स हैं सो द आंसर इज कि ये एलिमेंट्स हैं फायर नाइज जो है ये दो ऐसे एलिमेंट हैं लेकिन यहाँ पे वो नेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ये मैन मेड हैं और इनमें इतनी क्षमता है कि वो मतलब ह्यूमैनिटी के लिए वो मैन काइंड के लिए जो है havoc, मतलब परेशानी क्रिएट कर सकते हैं क्लियर विद दिस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है Select the option that correctly classifies the connotations for fire and ice as suggested in the poem. Rage, violence, वायलेंस hate or greed. तो यहाँ पे fire के लिए कौन सा connotation है जैसे अब मैं क्या बोलूँगी फायर आइस रेज आइस बोलते हैं फायर रेज बोलते हैं फायर के साथ वायलेंस जाता है या आइस के साथ वायलेंस जाता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑप्शन है फायर इज थ्री एंड फोर विच इज फायर इज इंडिफरेंसिस एंड फायर इज़ हेट तो क्या हेट और इंडिफ्रेंसेस को फायर बोलेंगे रिमेंबर फायर कोई भी ऐसी चीज़ को रिप्रजेंट करता है जो बहुत ज़्यादा भड़क जाए ठीक है और जहाँ कोई कोल्ड वॉर चल रहा है आप किसी से हेट कर रहे हो जहाँ पर कोई भी चीज़ जो है जो एकदम कोल्ड है फीलिंगलेस है उसमें अपन आइज से कंपेयर करेंगे सो हेयर आर करेक्ट आंसर इज बी फायर इज़ टू एंड फाइव हेट एंड ग्रीड क्योंकि लालच है बहुत सारा एंड आइस इज वन थ्री एंड फोर आइस इज रेज वायलेंस सॉरी वन थ्री एंड फोर यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई इसका नंबर दे देते हैं फोर अब हमें ज्यादा चीज़ समझ में आएगा तो फायर इज वायलेंस मतलब हाथापाई और हेट ये हो गया फायर रेज मतलब आप किसी से नाराज हो अब आप वहां पे हाथापाई कर रहे हो या नहीं कर रहे अपन को नहीं पता तो ये हो गया कोल्ड कर तो कैसे करना है पोम इज पुट अक्रॉस बाय द पोइट सो ये पोम क्या है इट्स अ पावरफुल वार्निंग जो वो दे रहा है हम सबको कि अगर हमने अपने डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा पूरा मैनकाइंड बर्बाद हो जाएगा ये एक हार्ट फिल्ड अपॉलोजी है सॉरी बोल रहा है वो सॉरी तो डेफिनेटली नहीं बोल रहा है राइट right? या तो ये क्या है अर्नेस्ट अपील है बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा है वेंचफुल थ्रेट है ये मतलब वो आपको जो है यहाँ पे देखो पावरफुल वार्निंग में ये फिर भी पॉजिटिव है ठीक है पावरफुल वार्निंग जो होता है वो फिर भी पॉजिटिव होता है लेकिन जो ये वेंचफुल थ्रेट है वो आपको धमकी दे रहा है बाकायदा तो यस दिस इज द राइट आंसर पोएम पोएट जो है वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि सुधर जाओ वरना तुम्हारा कछु ना हो पाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे द पोएट यूज द फ्रेजल वर्ब होल्ड विथ चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट इंडिकेट अ वैलिड फ्रेजल वर्ब अब हमें फ्रेजल वर्ब्स पता हैं। तो यहाँ पे क्या है फ्रेजल वर्ब्स पता है राइट right? जहाँ पे हम जो है एक प्रीपोजिशन और एक वर्ब को साथ में लेके चलते हैं ठीक है तो अब जैसे यहां पे है होल्ड ऑफ बैक ऑफ बैक ऑफ तो सुना है अपन ने अपन को यहां से देखना है होल्ड ऑफ होल्ड ऑन होल्ड इन टू एंड होल्ड बैक होल्ड बैक का मतलब क्या है अपने आप को रोक के रखना ठीक है आई रियली वॉन्टेड टू ईट दैट आइसक्रीम बट आई हेल्ड माई सेल्फ बैक होल्ड बैक ठीक है होल्ड ऑन रुको ज्यादा सबर करो दैट इज होल्ड ऑन ओके देन होल्ड इन टू एंड होल्ड ऑफ तो यहाँ पे आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर है ऑप्शन वन टू थ्री और फोर सो येस योर थिंकिंग इट राइट आंसर इज आंसर वन होल्ड ऑफ कुछ नहीं होता होल्ड इन टू मतलब किसी चीज में अपने आप को यू नो पकड़ के रखना होल्ड इन टू दिस जैसे कि मैंने बोला कि यार मैं ये मेडिसिन नहीं ले पा रही हूँ मुझे बहुत घबराहट होती है होल्ड इन टू दैट मतलब

कि किस तरीके से जो पूरी दुनिया है वो खत्म हो जाएगी द पोइट लव एंड ऑफ हेट अमंग ऑल पोएट जो है वो बोल रहा है कि ये जो सबके अंदर जो हेट है उसको हटाने के लिए लव और काइंडनेस को प्रीच कर रहा है द पोएट डिक्लेयर्स द पावर ऑफ आइस टू बी एज डिस्ट्रक्टिव एज दैट ऑफ फायर पोएट बता है जितना फायर डिस्ट्रक्टिव होता है उतना ही जो है आइस भी डिस्ट्रक्टिव होता है तो क्या है सही आंसर इसमें हमारा सही आंसर है ये वो हर जगह आइस को फर्स्ट क्वेश्चन लिटरेचर का हो चुका है उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना था अगेन यू हैव गॉट टू एक्स्ट्रैक्ट इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा अब ये जो एक्स्ट्रैक्ट है ना दोनों में क्या रहेगा एक पोम दे दिया और एक प्रोज दे दिया

टाइगर कैप्टन एस सेल टाइगर को सेल में क्यों रखा गया है सो दैट ही कुड नॉट हंट ताकि वो हंट ना कर पाए सो दैट ही कुड नॉट किल विजेस ताकि वो लोगों को मार ना पाए सो दैट ही कुड नॉट स्केप ताकि वो भाग ना पाए सो दैट ही कुड बी सोल्ड ताकि उसको बेच दिया जा सके द आंसर इज ताकि वो भाग ना पाए अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में

एंड वर्ल्ड वन ने लिखी हुई है ये हु इज द एनिमल बींग रिफर्ड टू इन द अबव स्टेंजा किस की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली बात है बेंगाल टाइगर की बात कर रहे हैं हाउ इज़ द एनिमल डिस्कसड इन द अब स्टेंजा डिफरेंट फ्रॉम द एशियन लाइन ये जो एनिमल है जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया है ये एशियन लाइन से डिफरेंट कैसे होता है जो एशियन लाइन होता है इट उजो वन इट फॉल्स अपॉन इट स्प्रे जब वो अपने जो उसका खाना होता है जो उसका जो है प्रे होता है शिकार होता है उसके ऊपर वो जब जंप कर रहा होता है पाउंस कर रहा होता है तब वो रोल करता है दहाड़ता है While द एनिमल डिस्कस इन the above stanza, greets इट्स प्रे फर्स्ट सो लेकिन जो टाइगर है वो पहले उसको हाई हेलो करता है ग्रीट करता है एन एशियन लाइन रोज वेन इट फॉल्स अपॉन इट स्प्रे वाइल्ड द एनिमल डिसकस इन दब above, uh, above stanza yawns। so जो, जो एशियन लायन है वो तो रोर करता है लेकिन ये जो अपना अपन टाइगर की जो बात हैं, वो पहले जमाई लेता है ठीक है

टेक योर पिक विच यू थिंक इज और आर नॉट द मूवमेंट तो अब यहाँ पे कौन से मूवमेंट्स नहीं है जैसे स्टम्बल होना स्टम्बल मतलब मैं चल रही हूँ और मैं अचानक से लड़खड़ा गई क्रॉल करना मतलब रेंगना स्टैगल करना मतलब कर रहे हैं चल रहे हैं थके हर टाइप से और म्यूजिंग म्यूज करना मतलब क्या होता है आप सोच रहे हो विचार कर रहे हो सो ऑब्वियसली वट इज द आंसर हेयर द आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर म्यूजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैरिंग वन पिक दैट वन आउट तो ये सारे जो हैं वो डिसन के सिनेम्स हैं एक नहीं है वो कौन सा है परसीव टिकोगग्नाइज करना मतलब कोई चीज़ को समझ लेना ठीक है डिस्कवर करना कोई चीज छुपी हुई है उसको डिस्कवर कर लेना परसीव करना मतलब अगेन समझना लेकिन टेपिड इज नॉट सो दंसर इज टेपिड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन फॉल ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड्स तो अब हम आ गए फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड्स वाले क्वेश्चन में फाइव क्वेश्चन रहेंगे फोर क्वेश्चन करने बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज हियर बॉल्स आर द सिम्बल ऑफ मैं पोजिशन बॉल्स मतलब क्या है मैन के पोजिशन को सिम्बलाइज कर रहा है सम थिंग्स आर डियर टू अर देन दी अदर्स कुछ चीज़ें हमसे ज्यादा क्लोज हैं एज कम्पेयर टू अदर्स बट नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ लेकिन कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं होती वी मे लूज़ आर डियर थिंग्स हम अपनी जो बहुत प्यारी चीज़ें होती हैं उसको हम खो सकते हैं देन वी सफ़र फ्राम अ सेंस ऑफ लॉस और उसके बाद हम क्या सफ़र करते हैं कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ खो गई ये जो सेंस होता है ये फीलिंग होता है इसको हम सफ़र करते हैं दैट इज वाई दोइ बॉल कुछ ना कुछ तो जाएगा कभी कोई इंसान जाएगा कभी कोई चीज चली जाएगी यू विल कीप ऑन लूजिंग थिंग्स यू कैनॉट हैव एवरी थिंग विद योर सेल्फ वॉट मैसेज दस द पोएट वॉन्ट टू गिव थ्रू द पोएट अमेंडा एमेंडा के थ्रू पोइट क्या मैसेज देना चाहते हैं The poet wants to convey that parents, in their endeavor to make their children well-behaved, mannerly, having good habits, give them too many instructions or nag them. Poet ये बताना चाहते हैं कि इन द इन देयर एंडिवो एंडो मीन्स वो जो ये ट्राई कर रहे हैं अपने बच्चों को परफेक्ट बनाने का उसको वेल बिहेव बनाना है मैनर्स उसको सिखाने हैं इन सब में वो उसको इतना ज़्यादा अनुय कर देते हैं कंटिन्यूसली नैक करके जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए दे शुड अडोप्ट पॉजिटिव मेजर्स एक्सेप्टेबल टू चिल्ड्रन उन्हें ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए जो कि बच्चों के लिए एक्सेप्टेबल हो जहाँ वो बच्चों को भी एक अथॉरिटी दे रहे हैं एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं अदरवाइज दे विल स्टॉप लिस्निंग टू देम एंड एंडल्ज इन डे ड्रीमिंग एज अमेंडा डेट अदरवाइज क्या होगा वो उनकी बात सुनना बंद कर देंगे और जैसे अमेंडा डे ड्रीम करती थी वैसे ही वो भी करने लग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज the forest undergoes tremendous transformation overnight discuss with reference to the poem the trees ये जो forest है it undergoes tremendous transformation overnight मतलब पूरी एक ही रात में फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ये हमें जो ट्रीज जो पोम है उसके थ्रू बताना है कि क्या कौन सा इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस है कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है और जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी वजह से लार्ज स्केल पे ट्रीज को कट किया जा रहा है चाहे कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए हो या फिर वो कुछ अप्लाइंसिस के लिए चाहिए हो विदाउट ट्रीज फॉरेस्ट है बिना पेड़ों के फॉरेस्ट कैसे हो गए खाली हो चुके हैं देर आर नो ट्रीज लेव फॉर द बर्ड्स एंड द इंसेक्ट्स अब बर्ड्स के लिए इंसेक्ट्स के लिए कोई ट्री बचा ही नहीं है द पोएट इज़ होपफुल लेकिन पोएट को फिर भी उसकी उम्मीद है द फॉरेस्ट विच रिमेंट एम टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज उसे लगता है कि नहीं ये जो फॉरेस्ट हैं जिसमें ट्रीज ही नहीं थे एक टाइम आएगा जब ये इसमें वापस बहुत सारे ट्रीज आ जाएंगे ओवर नाइट आ जाएंगे चमत्कार की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट द पोम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन कोट इफ ओनली आर आइज सॉ सोल्स इंस्टेड ऑफ बॉडीज हाउ वेरी डिफरेंट आर आइडियल्स ऑफ ब्यूटी वुड बी सो ये जो पोम में एक कोट था कि अगर हमारी आँखें वो देख सकती जो कि सिर्फ बाहर की चीज़ें मतलब आपकी बाहरी खूबसूरती के अलावा अगर हमारी आँखें जो है अंदर की खूबसूरती देख सकती तो लाइफ में ब्यूटी के जो आइडियल्स होते हैं वो कितने डिफरेंट होते द पोइट शेयर्स दैट गॉड लव्स अस अनकंडीशनली फॉर हू वी आर एंड नॉट आर अपेयरेंसेज पोएट कह रहा है कि भगवान जो है हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अनकंडीशनली प्यार करते हैं हम जैसे हैं वैसे ही प्यार करते हैं हमें हमारे अपेयरेंसेस के लिए प्यार नहीं करते दिस कोट स्टे दिस कोट स्टेट्स दैट इफ ह्यूमंस हैड द एबिलिटी टू लुक बियॉन्ड फिजिकल अपेयरेंसेज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट तो ये कोट ये कह रहा है अगर ह्यूमंस के अंदर ये कैपेबिलिटी होती उनके अंदर ये क्षमता होती कि वो जो है बाहरी खूबसूरती के अलावा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी को समझ पाते उनको उनके सोल को सामने वाले के सोल को देख पाते तो शायद जो है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत डिफरेंट होते ये पूरा दुनिया पूरी दुनिया बहुत डिफरेंट होती ओनली गॉड हैज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट आउटवर्ड फ़िज़िकल टेम्पटेशन सिर्फ भगवान के पास ये एबिलिटी है कि वो जो है ना ये जो फ़िज़िकल ब्यूटी होती है टेम्पटेशन होते हैं उनको रेजिस्ट कर पाएँ मतलब उनको नज़रअंदाज कर पाएँ ह्यूमन बींग्स विदाउट गॉड स्ट्रेंथ कांट लुक बियड फिजिकल ब्यूटी लेकिन ह्यूमन बींग्स को गॉड के स्ट्रेंथ के बिना वो तो सिर्फ फिजिकल ब्यूटी ही देखते हैं उन्हें बाहर बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब है ही नहीं अकॉर्डिंग टू अ पॉप्युलर कोर्ट वे देर इज नो स्ट्रगल देर इज नो स्ट्रेंथ जहाँ ये बहुत ही बहुत ब्यूटिफुल कोर्ट है दिस इज लाइक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वंस जहाँ पर स्ट्रगल नहीं है वहाँ स्ट्रेंथ नहीं है जहाँ आपने मेहनत नहीं करी वहाँ रिजल्ट नहीं है अगर कोई चीज बहुत आसान है तो आपने कुछ सीखा नहीं है इन वॉट वे इज दिस कोर्ट रिलेवेंट टू द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी तो यहाँ पे है दिस कोर्ट मेक्स मीन्स स्ट्रेंथ गेट्स एक्यूमुलेटेड आफ्टर फेसिंग स्ट्रगल ये कोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको कब मिलती है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लेते हो इन द स्टोरी इवन ट्रिकी हैड टू स्ट्रगल टू लूज हिज वेट इवन ट्रिकी जो था उसको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी अपना वेट लूज करने के लिए ही वॉज केप्ट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट इट वॉज ओनली आफ्टर लूजिंग हिज वेट दैट ही गेंड हिज स्ट्रेंथ बैक एंड बिकेम एन एक्टिव फिट डॉग जब उसने स्ट्रगल किया तभी उसको स्ट्रेंथ मिली उसी के बाद वो फिजिकली इतना फिट हो गया Answer any two of the following in about 40 to 50 words each. अब आपको यहाँ पे तीन questions दिए हैं जिसमें से आपको कोई दो questions करने हैं, ठीक है? ठीके? Why do you think the narrator used to feel that friends were more trouble than help? What could have led him to believe this? So, Hari Singh was a poor boy. When he breached Anil's trust by stealing his money, he had no place to go and hide. Hari Singh poor boy था. जब उसने Anil को धोखा दिया, अब उसके पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए.

ऑजिबल वॉज ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ एवरी वन हाईलाइट एनी टू इंस्टेंसेज फ्राम द मिड नाइटिटर वेन दिस होल्ड ट्रू तो अपन को ये जो मिड नाइट विजिटर है इसमें बोला गया कि ऑजिबल हमेशा एक कदम आगे चलता था तो हमें कुछ इंस्टेंसेज बताने जिसमें ऐसा हुआ हो ऑजिबल फेब्रिकेटेड अ स्टोरी अबाउट द बैल्कनी इन नो टाइम ऑजिबल ऑजिबल ने बिना कोई टाइम लगाए बिना घबराए बिना अपनी नर्व को लूज किए उसने एक स्टोरी फैब्रिकेट कर दी अबाउट द बेल्कनी फैब्रिकेट करना मतलब बना डाली टू विच मैक्स ट्रैब एंड किल्ड हिमसेल्स जिसमें मैक्स फंस गया और उसने अपनी जान ले ली ही मेड अप दुलिस ऐट द डोर विच मैक्स टू रन टू वर्ड्स अंडो इन ऑर्डर टू हाइड इन द नॉन एग्जिस्टिंग बैल्कनी उसने क्या किया ही मेड अप अ देन हटा देते हैं ही मेड अप द स्टोरी उसने क्या बोला कि एक पुलिस को नॉक कर रही है ऐसी वाली है उसने बोला कि लास्ट टाइम तो जो आया था उसने बैलकनी में छुप गया था तो उसने क्या किया जब ये स्टोरी बताई तो मैक्स अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए वो क्या किया उसने सोचा बैल्कनी हो और वो विंडो से कूद गया एंड वहाँ पे कोई बैलकनी थी नहीं जिसकी वजह से ही लॉस्टेज लाइफ रीडर्स बिलीव दैट ग्रिफिन वॉज अ मैन विदाउट कंसाइंस लोगों को लगता है ग्रिफिन एक ऐसा आदमी था जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ वैल्यूज कंसाइंस मतलब कुछ था ही नहीं यू हैव अस्ट डिस्कशन ऑन वाई आर कंसाइंस प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग आर कैरेक्टर प्रेजेंट अ समरी ऑफ योर व्यूज ऑन दिस सो लेट्स रिमूव दिस थिंग क्लास डिस्कशन ऑल यू हैव टू डू इज आपके क्या थाट्स है इस चीज़ पर आपको एक्सप्रेस करना है सो द आंसर इज कंसाइंस प्लेज अ वाइटल रोल इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर विच फर्दर शेप्स आर कैरेक्टर एज इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मोरल ड्यूटीज़ कंसाइंस जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में जो कि आगे जाके और हमारे कैरेक्टर को शेप करता है एज इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मोरल ड्यूटीज़ क्योंकि ये सारी मोरल ड्यूटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसाइंस डिस्क्राइब्स वट अ पर्सन बिलीव इज राइट एंड हाउ अ पर्सन डिसाइड्स वॉट इज राइट कंसाइंस जो हमारा जो बोलते हैं ना हमारी अंतरात्मा दैट इज कंसाइंस सो कंसाइंस डिस्क्राइब करता है कि हम क्या जो बिलीव करते हैं वो सही है और किस तरीके से हम उसको सही बनाते हैं थ्रू आर इंडिविजुअल एंड बिहेवियर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो हमें बाकी कोई बताए कि हम गलत काम कर रहे हैं या नहीं बताएं हमारी अंतरात्मा हमें डेफिनेटली बताती है कि तुम जो कर रहे हो उसमें डेफिनेटली कुछ गलत है सो so, ये जो हमारा सबके पास अपनी अपनी अंतरात्मा होती है पड़ोसी की अपन को उधार पर लेनी नहीं पड़ती तो हमें पता चल जाता है कि हमारे जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है जिसके साथ हम बड़े हुए हैं उससे हमें समझ में आ जाता है हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं और वही चीज़ होती है जो हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करती है दिस हेल्प्स अस टू जज वेदर आर एक्शंस आर एथिकल और नॉट और यही बताती है कि हमारे जो एक्शंस हैं वो एथिकल है या नहीं है जो हमें बताता है तुमने गलत किया चाहे किसी को पता हो या नहीं पता हो लेकिन हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं एंड गुड वेन वी डू समथिंग काइंड और जब हम कुछ अच्छा करते हैं भले ही किसी को पता ना चले हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है क्यों बिकॉज वी फील गुड इफ यू डो नॉट नो द डिफ्रेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग आर कंसाइंस विल मिसलीड अगर हमें सही और गलत के बीच में डिफरेंस नहीं पता तो कभी भी हम सही डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएंगे अब है 100 100 से 120 words. 100 से 120 120 में आपको answer करना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इमेजिन दैट यंग लेडी इज इन प्रिजन तो ये जो यू नो लेडी थी जो रेड लेडी थी उसने मान लो होरेस को एक लेटर लिखा प्रिजन में राइट द लेटर इमेजिनिंग योर सेल्फ टू बी दैट यंग लेडी विद रिस्पेक्ट टू दी तो अब आपको वो सोच के कि आप वो रेड लेडी हो उसके हिसाब से आपको लेटर लिखना है सो लेट सी दैटर अब यहाँ पे हमने सेंडर्स एड्रेस वगैरह पूरा फॉर्मेट नहीं लिखा है हमने सीधे बॉडी पे आए ठीक है बॉडी सेल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन डियोर हॉल इज डन बई प्लीज एक्सेप्ट माई डीपेस्ट अपॉलॉजीज फॉर बींग्रेजेंट बिकॉज ऑफ मी सो मेरी तरफ से सॉरी है क्योंकि आप मेरी वजह से जेल में हो यू गॉट अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट विच यू डिड नॉट इवन कमिट तुम एक ऐसी चोरी के लिए पकड़े गए जो तुमने की भी नहीं थी इट वॉज नॉट माई इंटेंशन टू गेट यू कॉट और अरेस्टेड ये मेरा मैं नहीं चाहती थी कि तुम अरेस्ट हो जाओ या तुम पकड़े जाओ बट आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू सेव माई सेल्फ लेकिन मेरे पास कोई और तरीका नहीं था मुझे अपने आप को बचाना था माई सेफ्टी वॉज माई एटमोस्ट प्रायोरिटी एट दैट मोमेंट मेरे लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी था कि मैं खुद सेव रखूँ I am the only bread earner of my family. That's why I had to trick you to the jewels without leaving any evidence and get out of there freely. मेरे घर में bread earner सिर्फ मैं हूँ, मतलब मेरे घर में और कहीं के, कोई भी आ, help नहीं है financially और कोई कमाता नहीं है. इसीलिए मुझे तुम्हें trick करना पड़ा to the jewels without leaving any evidence and get out of there freely. यू सीम टू बी अ नाइस एंड एजुकेटेड मैन सो आई वॉज वंडरिंग वट माइट हैूज रॉबरी फॉर सर्वाइवल तुम जो हो एक बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे आदमी लगते हो तो मैं ये सोच रही थी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि तुम्हें रॉबरी करना पड़ा एनी वे आई होप यू कैड आउट ऑफ प्रेजेंस सोन एंड लिव अ हैप्पी लाइफ अहेड मैं उम्मीद करती हूँ मैं प्रे करती हूँ कि तुम जो हो अच्छी सी एक मतलब बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाओ उसके बाद एक बहुत खूबसूरत सी जिंदगी जियो बेस्ट विश इज द लेडी इन रेड एट शॉर्ट ओवर ग्रैंड ओके या तो यह क्वेश्चन कर लेना या तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है एलबर्ट आइंस्टन सेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग रिचर्ड वॉज अस प्रूव दिस कोट टू जस्टिफाई तो यहां पर एलबर्ट आइंस्टन ने कहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है वो ये होती है कि आप कभी भी क्वेश्चन करना मत छोड़ो क्योंकि क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब डाउट नहीं है डाउट नहीं है मतलब आपने समझने की कोशिश ही नहीं करी है तो रिचर्ड ने इस चीज को कैसे सही प्रूव किया रिचर्ड ए ब्राइट वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग ईयर्स ऑफ इज लाइफ सो अपने इस स्टार्टिंग के दिनों से रिचर्ड जो था काफी ज्यादा क्यूरियस था हिज क्यूरियोसिटी प्रॉम्प्टेड हिम टू कलेक्ट रॉक फॉसिल्स कॉइंस एंड बटरफ्लाइज उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से ही वो अलग अलग चीजें कलेक्ट करता था जैसे पत्थर हुए फॉसिल्स हुए कॉइंस हुए बटरफ्लाइज हुए ही वॉज कॉम्पिटेटिव बट इन अ गुड सेंस एंड ऑलवेज वॉन्टेड बेट वो बहुत ही कॉम्पिटेटिव था मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन की फीलिंग थी बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे वो चाहता था वो हमेशा अपना बेस्ट दे हिज मदर ऑल्सो इनक्रेज हिज़ इंटरेस्ट इन लर्निंग उसकी मदर ने भी उसका जो है सीखने की चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया ही फेस्ड मैनी फेलियर्स इन हिज़ लाइफ बट एवरी फेलियर स्ट्रेंथ इन हिज विल टू सक्सीड उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स को मतलब फेस किया लेकिन उसकी माँ ने हमेशा उसको क्या किया हर फेलियर के लिए उसको बोला नहीं यू कैन डू इट उसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी

फॉर न्यू आइडियाज़ एंड सजेशंस तो वो जो थे अपने टीचर को जो देखता था कि नहीं मुझे इनसे नए आइडियाज़ मिलेंगे नए सजेशन्स मिलेंगे ही गेव हम नंबर ऑफ़ सजेशन्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स और उसने उसे बहुत सारे जो है सजेशन्स दिए एक्सपेरीमेंट करने के लिए कंटीन्यूस रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स वन ई ब्राइट ग्रेट ऑनर्स एंड प्राइजेस और जब ये कंटीन्यूस उन्होंने रिसर्च किया एक्सपेरिमेंट किया तो इसकी वजह से उनको बहुत सारे ऑनर मिले बहुत सारे प्राइजेस मिले ओके okay? अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास दो क्वेश्चन है उनमें से कोई सा एक क्वेश्चन करना है लॉन्ग आंसर टाइप है ये नेल्सन मंडेला इज मोर होपफुल अबाउट ह्यूमन काइंड देन वॉल्ट विट मैन डू यू अग्री सपोर्ट योर ओपिनियन बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो हमारे पास ये दोनों पोम हमने पढ़ी हुई है सॉरी दोनों आपने जो चैप्टर्स हैं पोम है ये पढ़ी हुई है नेल्सन मंडेला और एनिमल्स तो आपको क्या लगता है कि नेल्सन मंडेला ज़्यादा होपफुल थे मैनकाइंड के लिए और जो वर्ल्ड बिटमेन है वो उतने नहीं थे लेट्स सी दी आंसर मंडेला अपेयर्स टू बी क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव अबाउट ह्यूमन काइंड नेल्सन मंडेला जो थे वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे काफ़ी पॉजिटिव थे ह्यूमन काइंड को लेके इट वॉज अ श्योर होप एंड ऑप्टिमिज्म दैट प्रोवाइडेड हिम विथ रिजीलियंस अब उनके अंदर जो ये होप थी उनके अंदर जो ये पॉजिटिविटी थी उसी की वजह से उनको एक रिजिलियंस मिला हुआ था धैर्य मिला हुआ था

सो so, वो यहाँ क्या बोल रहे हैं ही चेरिश द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी तो वो उनको वो आइडिया बहुत अच्छा लगता था एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी का जहाँ पे सब लोग खुशी खुशी आपस में प्यार के साथ रह रहे हैं और जहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ऑन द कॉन्ट्ररी द पोएट थ्रू हिज पोम हैज रिस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ अबाउट मेकिंग हिज ऑब्जेक्टिव एविडेंट अब इसमें जो है दूसरा साइड देखें जो पोएट है उन्होंने अपनी पोम के थ्रू जो है हैज रिस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ अबाउट मेकिंग हिज ऑब्जेक्टिव एविडेंट यहाँ पे उन्होंने जो है अपना ऑब्जेक्टिव को बहुत ही ज्यादा एविडेंट बना दिया है मतलब नहीं बनाया है रिस्ट्रिक्ट किया है ही कैन नॉट बी अंडरस्टुड दैट ही होल्ड्स हाई होप्स अबाउट ह्यूमन काइंड टू रेजुनेट दमसेल्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स आप नहीं समझ सकते कि उनको ह्यूमन से बहुत ज़्यादा होप है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया है कि ह्यूमन ट्रीट करते हैं ऑल तो उनके रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं हम ही सिंपली अर्जेस ह्यूमन काइंड टू बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ वाइसिस एंड डू नॉट जज अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि भाई ह्यूमन काइंड से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि वो लोग जो हैं ये सारे जो आपके दिमाग में जो ब्लड आइडियाज होते हैं वाइसिस होते हैं इनसे वो दूर रहें और दूसरों को क्या उनके पास है उन पोजीशंस के हिसाब से जज ना करें He believes we commit sins because of the driving force which we call selfish interest. वो ये बोल रहे हैं कि हम ना जो गलतियां करते हैं जो पाप करते हैं जो सिन करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर ना एक बहुत एक फोर्स आता है नहीं हाँ ये तो करना है क्यों क्योंकि हमारा उसमें एक बहुत ही सेल्फिश इंटरेस्ट होता है क्लियर अब ये है हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन वट डिड वल्ली नोटिस आफ्टर शी बोर्डेड द बस वल्ली ने क्या नोटिस किया बोर्ड को मतलब बस को बोर्ड करने के बाद Wally looked around in the bus. इट हैड सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल सीट अब हम यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं okay? तो बस की जो सीट थी कैसी थी बहुत ही कम्फर्टेबल थी इट है ब्यूटिफुलंदर सी क्लॉक लगी हुई थी दोन लाइक like जो ऊपर जो बार्स थे जिसपे आप पकड़ते हो ना हाथ वो एकदम सिल्वर की तरह शाइन कर रहे थे देन शी ट्राइड टू लुक आउटसाइड फिर उसने खिड़की से बाहर झाँकने की कोशिश करी शी फाउंड कट ऑफ बाई अटन दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ अंडो उसने जब किया तो देखा कि जो लोअर पार्ट ऑफ द जो विंडो था तो जैसे अगर ये विंडो इस तरीके से है तो इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड थी और लोअर पार्ट में कर्टन लगा हुआ था उसकी वजह से वो बाहर देख नहीं पा रही थी सो शी स्टूड ऑन हर सीट टू एंजॉय द आउटसाइड सीन तो वो खड़ी हो गई ताकि इस पर्टिकुलर पार्ट part से वो बाहर का नजारा देख पाएगी द बस वॉज गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल बस जो है वो एक कैनल के बैंक से जा रही थी शीशा पाम ट्रीज माउंटेन्स एंड ब्लू स्काई ऑन द अदर साइड देवर ग्रीन फील्ड्स तो एक जगह तो उसने सारी खूबसूरत नेचर चीजें देखी फिर उसने दूसरी साइड देखा ग्रीन फील्ड्स थी सडनली एन एल्डरली मैन वॉन्ट वली नॉट टू स्टैंड ऑन द सीट तभी एक ने क्या कहा उनको एक बड़े आदमी ने कहा नहीं नहीं तुम सीट पर मत खड़ी हो ही कॉल्ड हर अ चाइल्ड एंड सेट दैट शी उसने उन्हें चाइल्ड बोला बच्चा कहा और बोला बच्चे आप गिर जाओगे बट वाली डिट नॉट बॉद एंड टोल्ड हिम प्राउडलीट शी वॉज नॉट अ चाइल्ड वाली को कोई फर्क नहीं पड़ा उसने कहा मैं बच्ची नहीं हूँ

अब आप मुझे ये बताओ कॉमेंट सेक्शन में कितना आता था कितना नहीं आता था ग्रामर पार्ट कैसा था क्योंकि मैं सारे जो पेपर्स क्रिएट कर रही हूँ अलग अलग डिफिकल्टी लेवल से क्रिएट करूंगी दिस वाज मॉडरेट आई वुड नॉट कॉल दिस वेरी इजी मैं बोलूंगी ये मॉडरेट था अभी मैं आपको लिए डिफिकल्ट पेपर भी सेट करूंगी इजी पेपर भी सेट करूंगी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये सारे सैम्पल पेपर्स बहुत अच्छे से सॉल्व करो सो दैट यू नो हर चैप्टर का एक क्वेश्चन है तो आपको क्या आपको समझ में आ जाएगा कितना आता है कितनी मेहनत करने की अभी जरूरत है क्लियर सो so, बने रहिए मैग्नेट मैग्निक्रींस के साथ एक ऐसा चैनल जहाँ मिलती है आपको फ्री एजुकेशन मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी एक और सैम्पल पेपर के साथ तब तक मेक श्योर sure आप मुझे ये बताओ कि आपको ये पेपर कैसा लगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय